All right, guys. Good evening. Unit 5, Moral Philosophy. Western philosophy we were discussing. Ancient era. And in ancient era, सबसे पहले हम लोगों ने प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स डिस्कस किए थे, जिसमें जो लास्ट था वो थे प्रोटागोरस। प्रोटागोरस कौन था? एक सोफिस्ट था। He was a sophist. All right. Sophist क्या है? एक पढ़ाने का तरीका, इट्स अ स्टाइल ऑफ टीचिंग। मैंने फिर उसको इंडिया के साथ कंपेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण लोग नॉलेज का इस्तेमाल करके, भगवान का इस्तेमाल करके क्षत्रिय लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। आम जनता को, जो अमीर सेठ लोग होते थे, उनको बेवकूफ़ बनाते थे। ये 100 गाय दो, तुम्हारा ये दुख दर्द हो जाएगा, ये सही है, ये गलत है, मैनिपुलेशन करते थे। उसी तरीके से सोफिस्ट लोग भी मैनिपुलेट करते थे यंग प्रिंसेस और नोबिलिटी को। ऑलराइट। और नॉलेज खाली उसी को उपलब्ध थी जिसके पास नोट थे, पैसा था। नॉलेज ओनली फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट। तो इंडिया में इन ब्राह्मणों को चैलेंज करने के लिए कौन आया? बुद्ध आए। आई थिंक आज है बुद्ध की या कल उनकी पुण्यतिथि थी मेरे ख्याल से। हाँ, कल थी, कल है, चलो जब भी थी। उसी तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में सोफिस्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किसने किया? सोक्रेटीज ने। ऑलराइट। तो आज हम करेंगे सोक्रेटीज के साथ शुरू। Socrates, Sukrat in Hindi. Socrates basically is known as the father of Western philosophy, and he is credited for making a humble beginning to the way we read philosophy today. मतलब आज हम जैसे philosophy को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय Socrates को जाता है। Now see, Socrates was a very knowledgeable person. All right, Athens के अंदर थे, मगर प्रॉब्लम ये थी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी नॉलेज का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं था, कोई रिकग्निशन नहीं था। लार्जली इसका एक कारण ये भी था क्योंकि सोफिस्ट लोगों से पंगा उन्होंने ले रखा था। सोफिस्ट लोग तो लोगों को बहकाते थे, मैनिपुलेट करते थे, और सोक्रेटीज क्या करते थे? उनको उकसाते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे कि आप सोफिस्ट से क्वेश्चन करिए। लाइक, हैव यू सीन दैट मूवी पीके? तो पीके मूवी का वो जो मेन कैरेक्टर है आमिर खान का, दैट कैरेक्टर हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम सोक्रेटीज। जस्ट लाइक पीके यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट गुरु, फ्रॉम ऑल द पीपल इन अ लॉजिकल मैनर, उसी तरीके से सोक्रेटीज भी क्वेश्चन पूछते थे और उन लोगों को कहते थे कि इन पंडितों से, मतलब सोफिस्ट से, तुम क्वेश्चन करो कि भगवान के नाम पर ये तुमको जो भी बोलते हैं आप जस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, उनसे उसका मतलब तो पूछो, लॉजिक तो पूछो। तो इसलिए सोक्रेटीज के दुश्मन ज्यादा थे, दोस्त कम थे। गॉट इट? तो वो हमेशा अड़चन भी ये लगाए रखते थे, मतलब ये इंश्योर करते थे कि सोक्रेटीज को कभी भी सपोर्ट ना मिले। तो बिकॉज ऑफ दैट ही वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो। रात को शराब वराब पी, अपना शाम को अपना वाइफ अलग रेडिक्यूल करती थी कि तुम पैसा कुछ कमाते वगैरह नहीं हो। ऑल राइट, रात को पिया, अपना बाहर निकल गए, कहीं भी बैठ गए, अपना लगा ली महफिल और हो गए शुरू ज्ञान बांटना। तो कुछ इस तरीके का उनका ओवरऑल पर्सनालिटी था। सो सोक्रेटिक मेथड उन्होंने डेवलप किया था जो डायलेक्टिक्स के ऊपर बेस्ड था। तो सबसे पहले तो इसी के ऊपर आप एक लाइन लिख लीजिए, सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड आप समझते हैं? जैसे वही मूवी पीके में वो जैसे क्वेश्चन करता था किसी को, तो वो लॉजिक के आधार पर करता था। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, कोई जैसे वाइट कलर क्या है, क्रिश्चियंस में जब वेडिंग सेरेमनी होती है तो लड़की वाइट ड्रेस पहन के जाती है, मगर वाइट ड्रेस हिंदुइज्म में कब पहनते हैं? जब विडो हो जाती है। तो इसी के बेसिस पे लॉजिक कह रहा था कि ये तो बस अलग अलग परंपराएं हैं और क्या है। तो फिर वो शादी वादी का भी कुछ आया था, खैर उस पर क्या डिस्कशन करना। तो सोक्रेटिक, जैसे अकबर के जो इबादत खानास थे वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थे? वो सोक्रेटिक मेथड के ऊपर ही बेस्ड थे। उनके अकबर ने जो इबादत खानास बनाए थे उसमें लोग क्या करते थे, दे पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कम and used to discuss about their religion in a logical manner. जैसे एक वाइफ है उसको and her husband is getting fat, okay, so कैसे वो husband को बोलेगी कि भाई अपना वजन कम करो? हाँ बताओ, आपके माताजी ने कभी आपके पिताजी को बोली हो ये बात तो कैसे बोली होगी? कैसे कंपेयर करते थे? पड़ोसी के कि देखो शर्मा जी कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं। नहीं हाँ, तो क्या वो सही तरीका है? जलील करते हैं ना बेसिकली इंडिया में, तो खा के फैलते जा रहे हो, अदरक हो गए हो, कहीं से भी बढ़ रहे हो, हैं यही ना। तो क्या ये लॉजिकल तरीका है? नहीं, इसकी जगह लॉजिकल तरीका क्या होता कि दे टेंड्स टू नच द हस्बैंड टुवर्ड्स हेल्दी लिविंग, कि देखिए एकदम से डिस्कस करें किसी, अरे वो शर्मा जी थे वो उनकी डेथ हो गई, एकदम से हार्ट अटैक आया, उनका वजन बहुत ज्यादा था। तो वो एक तरीका है, आप समझ रहे, हेल्दी लाइफस्टाइल के फायदे गिनाना, उसकी तरफ पॉइंट आउट करके नहीं, सो दैट दैट पर्सन ऑटोमेटिकली मूव्स टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, या कंपेयर करके नहीं, या फिर उसको जलील कर नहीं। वो सोक्रेटिक मेथड नहीं हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने एक अपना मेथड डेवलप किया था। इसके बारे में लिख लो आप, दैट इट इज अ फॉर्म, सोक्रेटिक मेथड इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव, इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव आर्ग्यूमेंटेटिव डायलॉग between individuals, comma, based on asking and answering questions, to stimulate critical thinking, and develop new ideas, full stop. This method compel people to think about a problem in a logical manner, to think through a problem in a logical manner. All right. So logic की बात ये हमेशा करते थे, और क्योंकि लॉजिक की बात करते थे तो कौन से स्कूल से बिलोंग हुए? ये रैशनलिस्ट थे। He belonged to the school of ethical rationalism. जैसे इन्होंने हमेशा कहा दो टाइप की दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। एक वो दुनिया जो हम अपने दिमाग से खींचते हैं, समझ रहे हैं, एक दुनिया वो जो हमारी सेंसेस, जैसे मेरी सेंसेस मुझे बता रही है कि आप सब यहाँ पर बैठे हैं, मगर मेरा दिमाग क्या बताएगा कि आपका शरीर यहाँ बैठा है, आत्मा कहीं और है शायद, सोच कहीं और रहे हो, मन शायद कहीं और लगा हो। ऑल राइट मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी के अंदर कहा था जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, तो इसका क्या मतलब हुआ? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। जगत, ये जगत जो आप परसीव कर रहे हो अपनी सेंसेस से, ये एक मिथ्या है। ये अब आप मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी के शर्ट का रंग रेड है, किसी का ब्लू है, मगर यही चीज कोई कॉकरोच देख रहा होगा तो वो कलर अलग होगा, कोई शायद बर्ड देख रही हो तो उसकी आंखों का, उसका परसेप्शन अलग होता है चीजों का लेने का। तो सच क्या है असल में, इसका रंग क्या है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस ना, देखने वालों की नजर पे डिपेंड करता है। तो ये तो एक मिथ्या है, ये जगत जो ब्रह्म है, जो असली सत्य है, वही सत्य है। ऑल राइट तो यही बात इन्होंने कही कि ब्रह्म को जानने का जो तरीका है वो क्या है, वो माइंड के थ्रू है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड। सो यहां पर पहले एक लाइन लिखिए आप, दैट सोक्रेटिस ऑलवेज एम्फेसाइज्ड, सोक्रेटिस always emphasized the importance of the mind, emphasized the importance of the mind over the relative unimportance of the human body. Full stop. Relative unimportance of a human body. Full stop. He was a rationalist. He was a rationalist who attempted to establish an ethical system based on human reason, rather than a religious doctrine. आई बात समझ में? ये तो ये था हमारा पहला कि he was a rationalist. दूसरा जो आइडिया हमारा आता है वो है कि he was a virtue ethicist. अब वर्च्यू एथिक्स क्या होते हैं, वर्च्यू स्कूल क्या होता है, मैंने बताया था आपको क्या होता है वर्च्यू स्कूल। हाँ, खुद का पॉइंट। इट्स अ सेल्फ बेस्ड अप्रोच इन विच अ पर्सन thinks about his virtues and ideals rather than rules and consequences. वो क्या है और क्या बनना चाहता है, these two things are important for him rather than what the organization or society is expecting from him. Got it? खुद का है उसका आइडिया, भाई मुझे समाज से मतलब नहीं है, मैं किस तरीके का इंसान हूं ये डिसाइड करेगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो सोक्रेटिस, इनफैक्ट तीनों ही, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, तीनों वर्च्यू एथिसिस्ट थे। अब सोक्रेटिस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू है उनके लिए नॉलेज। ऑल राइट क्यों? क्योंकि नॉलेज के थ्रू ही आपको विजडम मिलेगी और विजडम के थ्रू ही आपको, यहां पे मोक्ष की बात नहीं है, यहां पर हैप्पीनेस की बात होती है। मोक्ष इज एन इंडियन फिलोसफिकल आइडिया क्योंकि एक स्पिरिचुअल उसमें डायमेंशन ऐड होता है। दे आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस। ओके, तो नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था सोक्रेटिस ने। इनफैक्ट नॉलेज क्या है, एक लाइन लिख लो, मतलब वर्च्यू एथिसिस्ट लिख लो, दैट ही वाज अ वर्च्यू एथिसिस्ट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू क्या है? नॉलेज है। ये ऐसे करके देखो, नोट्स थोड़े थोड़े बनाने पड़ेंगे आपको। एंड व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज क्या है ये लिख लो, एक लाइन, दैट सोक्रेटिस डिफाइंड नॉलेज knowledge as knowing what to do, as knowing what to do in a certain situation. Knowing what to do in a certain situation. कि किसी situation में क्या करना है, यही knowledge होती है. और एक line और लिखो. That Socrates holds that no one knowingly does, no one knowingly does what is bad. No one knowingly does what is bad. Full stop. This view is known as moral intellectualism. This view is known as moral intellectualism. This view is known as moral intellectualism. अच्छा, अगर मतलब सोक्रेटिस का ये मानना था कि अगर आपको ये पता होगा कि कोई चीज़ गलत है तो फिर आप उसको नहीं करोगे. ऐसा होता भी है. अगर आप किसी चीज़ को गलत मानते हो तो क्या आप उसको करोगे? नहीं करोगे. मगर क्या हमेशा ऐसा होता है? हाँ, मतलब कई बार डिसोनेंस भी होती है, कई बार आपके इमोशंस भी आपको ओवरवेलम कर जाते हैं. अब आप सबको ही पता है कि शराब पीना या सिगरेट पीना गलत है, मगर फिर भी दिल के इमोशंस के चलते आप कभी कभी ये काम कर लेते हैं. ऑलराइट, युधिष्ठिर को मालूम था कि झूठ बोलना गलत है, इसका गलत रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोला. ओके, तो कई बार समाज की स्थिति, सिचुएशन, बहुत सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू विल डू. तो समटाइम्स पीपल डू रॉन्ग नोइंग दैट इट इज रॉन्ग. ओके, चलो, तो नॉलेज की बात सोक्रेटिस ने करी, मगर नॉलेज पाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेनिंग नॉलेज? नहीं, ये बात आपको कब पता चलेगी कि आपको कुछ नहीं पता? जब आप हम्बल होंगे. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज इज टू बिकम हम्बल. Become humble. अच्छा, सॉरी, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप, हम्बल आप कैसे होंगे ये बताओ मुझे. हम्बल होने के लिए भी तो कुछ चाहिए. जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपको चीजों का नहीं पता, only when you will accept your ignorance, then only you will become humble. आप ईश्वर के आगे हाथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यही सर्वशक्तिशाली है और मेरी ताकत कुछ नहीं है इसके प्रति. जब आप खुद को कमजोर मानते हो तभी तो हाथ जोड़ते हो. तो जब आप मान लोगे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कोई चीज, तभी तो आप हम्बल बनोगे. नहीं तो आप हमेशा ईगो में रहोगे कि मुझे सब कुछ मालूम है. तो एक्सेप्ट करिए अपनी इग्नोरेंस को. जैसे वही एक बड़ा फेमस कोट भी है सोक्रेटिस का, चाहे तो लिखना आप चाहो, दैट आई नो बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग. आई नो बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग. ऑलराइट, आप सीखना तभी शुरू करोगे जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि आपको कुछ नहीं मालूम. तो आप अपनी एक्सेप्ट करोगे नॉलेज को, उससे आप हम्बल बनेंगे और उसी से आप क्यूरियस भी बनेंगे. हम्बल एंड क्यूरियस, एंड देन यू विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. जैसे उपनिषद शब्द का क्या मतलब होता है? आपने पढ़ लिया हिस्ट्री. अब तो सिट नियर द फीट ऑफ गुरु, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ाया होगा. मगर इसका सिंबॉलिक मतलब क्या है? अपने आप को समर्पित करना गुरु से कि उनसे ज्ञान ले सके. मतलब सॉरी, हाँ भाई, जब आप किसी के पैरों के पास बैठते हैं तो इसका मतलब आप मान लेते हो ना कि हाँ भैया मैं तो अभी इंफीरियर हूं इनके सामने, तभी तो बैठते हो पाँव के पास। तो पाँव के पास बैठने का एक ये मतलब भी आता है डैट यू एक्सेप्ट योर इग्नोरेंस एंड नाउ यू हैव बिकम हम्बल। इसमें बहुत सारी स्टोरीज भी आती हैं, जैसे वो रामायण से भी स्टोरी आता है कि राम आखिरी में जब युद्ध का अंत हुआ और रावण धरती पे पड़ा था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तो राम जी ने लक्ष्मण को भेजा रावण के पास कि जाओ, बड़ा विद्वान पंडित थे ये, इनसे कुछ सीख कर आओ आखिरी क्षणों में। तो लक्ष्मण जी थोड़े अकड़ू प्रवृत्ति के थे, तो वो गए और सर के पास जाके खड़े हो गए रावण से कि भाई भैया ने भेजा है, कुछ बताइए मुझे। तो रावण ने उसको डांट दिया, रावण भी अपनी अकड़ में थे आखिरी में, बोले कि जाओ पहले अपने भाई से ये सीख कराओ कि सीखते कैसे हैं। ऑलराइट, तो फिर लक्ष्मण मुनमुनाते हुए गए राम जी के पास कि भैया ये देखो अभी मरने को है मगर फिर भी अभी अकड़ नहीं गई है। राम जी बोले कि भैया जब किसी से कुछ लेना होता है तो उसके पाँव के पास जाके खड़े होकर हाथ जोड़कर मांगते हैं, तुम सर पर जाकर खड़े हो गए उसके, ऐसे थोड़ी ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान लेना है तो सर झुका के विनम्रता के साथ ज्ञान लो, अकड़ के साथ कभी ज्ञान नहीं होता कि मैंने फीस भरी है अब मेरा राइट है, अब तो ज्ञान ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ज्ञान के लिए हमेशा व्यक्ति को विनम्र बनना पड़ता है, हम्बल बनना पड़ता है। ऑलराइट, सो मतलब मेरे एक टीचर हैं, मतलब आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उनको मनाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो उनको मनाने के लिए मेरे को बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। फीस नहीं लेते वो मुझसे, बट उधार लेते हैं कभी कभार, उनका भी मन करता है तो फोन कर देते हैं। तो उनके लिए कभी वो कुछ मिठाइयाँ लेकर जानी पड़ती हैं, समोसे लेके, समझ रहे हो। तो तब उनका मूड, उनको सर ये वो सर ये चल रहा है, फिर कहीं मूड बनता है, फिर कुछ बताते हैं। ऑलराइट, तो हम्बल बनना पड़ता है आदमी को। सो इसके बारे में ये हमारा, फिर हमने क्वेश्चंस पूछे अपने, और क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं तो क्या मिलता है हमको, फिर आपको आंसर्स मिलते हैं एंड यू गेन नॉलेज। और इस नॉलेज से आप क्या करते हो, यू डेवलप योर वर्चूस। वर्चू से आपका विजडम आता है और विजडम से फाइनली आपकी हैप्पीनेस। ये आपका पूरा साइकिल है। आ रहा हूं, हाँ पूछो। असली देखो, अगर वर्चूज है आपके पास, अगर वर्चूज के द्वारा आपके पास विजडम आई है तो ईगो नहीं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि फिर वो वर्चूज के थ्रू तो नहीं आई। अगर आपके अंदर ईगो है तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे चीजों को। नहीं, ऐसी बात नहीं, सारे नहीं भगाते। एक आध वो ऋषि दुर्वासा और एक आध ऋषि के बारे में ऐसा कहा गया है कि उनका बड़ा ही क्रोधी स्वभाव रहा है, बट अदरवाइज सारे ऋषि तो ऐसे नहीं है कि डांट के भगा देते हैं। हाँ देखो, अगर किसी को सिखाना है तो थोड़ा सा डांटना पड़ेगा उसको। जो व्यक्ति डांट ही नहीं खा सकता, इसका मतलब उसमें अकड़ है, ईगो है। तो किसी को हम्बल बनाने के लिए उसको डांटना आवश्यक है। ओके, so the overall idea here is that you have to accept your ignorance, you have to come out from your comfort zone, then only you will learn. Comfort zone समझते हो ना आप क्या होता है? Comfort से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। Comfort is a drug, it is addictive कहते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं आजकल अपने comfort zone के अंदर हूँ और मैं पिछले एक साल से कोशिश कर रहा हूँ कि निकलूँ यहाँ से, कुछ नया करूँ, कुछ सीखूँ। मैं कोई नई किताब भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ इस चक्कर में। Alright, so जैसे सरकार हमेशा क्या करती है, सरकार क्या चाहती है हमेशा कि आप अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहें, so that because when you are in comfort zone then you don't ask questions, and if you don't ask questions the government will keep working as it is. जैसे इसको रोमन टाइम्स के अंदर एक टर्म आता था ब्रेड एंड सर्कस, समझ रहे हैं आप? ब्रेड एंड सर्कस सुना ही आपने? जैसे रोमन टाइम में बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था, इंक्रीज हो गया था, पावर्टी बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम जनता फेस कर रही थी। तो जनता का ध्यान हटाने के लिए इन प्रॉब्लम से वहां के एम्परर्स गेम्स ऑर्गेनाइज करते थे, ग्लैडिएटर्स सुना होगा ना आप लोगों ने। तो बड़े बड़े गेमों का आयोजन किया जाता था, भव्य स्मारक बनाए जाते थे, और जब स्टेडियम में लोग आते थे वो एंजॉय करते थे, और उसी समय उनको फ्री ब्रेड दी जाती थी, खाना पीना भी खिला दिया जाता था। तो लोग इस खुशी के चलते अपनी असल बुनियादी प्रॉब्लम्स को भूल जाते थे, आप समझ रहे हैं? तो कुछ इसी तरीके का वातावरण आज के जमाने में भी अलग अलग कंट्रीज में दिया जाता है। जस्ट प्रोवाइड पीपल फूड एंड चीप एंटरटेनमेंट एंड दे विल फॉरगेट अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। फूड आप लोगों को मिल ही रहा है, कैसे मिल रहा है आम जनता को खाना? 5 किलो आटा, 5 किलो चावल फ्री मिल ही रहा है, ठीक है। और चीप एंटरटेनमेंट किसने दे दी आपको? जियो ने चीप एंटरटेनमेंट दे ही दी आपको 2015-16 के बाद। तो आदमी दिन भर रील देखेगा, रील बनाएगा, टिकटॉक देखेगा, एंजॉय नहीं, ये तो चल रहा है। और खाना उसको मिल रहा है, कभी कभी शराब का भी इंतजाम हो जाता है, इतना तो हर कोई कमा ही लेता है, और क्या चाहिए आदमी को। बट ओवरऑल क्या है ये सब? So that person can stay in his comfort zone, where he feels safe and feel that he has control over things. ऐसा आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। It is क्योंकि dreams, all your dreams, they will go and die in this comfort zone only. So अगर UPSC की जो जिंदगी है, life in UPSC starts outside your comfort zone. मगर ज्यादातर लोग उससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाते, अपने कंफर्ट के अनुसार वो काम करते हैं। कंफर्ट जोन के बाहर कौन सा जोन होता है? फियर जोन होता है। ये समझो, ये मतलब सोक्रेटिस के भी आइडियाज थे और आपकी तैयारी में भी हेल्प आउट करेंगे। कंफर्ट जोन के बाहर आता है फियर जोन। फियर जोन में एंटर करे, आपको डर लगेगा, अरे यार ये मैं एथिक्स का आंसर, मैंने क्लासेस ज्वाइन तो कर ली, यूपीएससी का कोचिंग तो कर लिया, अब तैयारी होगी कि नहीं, आंसर कैसे लिखा जाएगा, मैं तो बहुत खराब राइटर हूँ, एथिक्स का आंसर। जैसे अभी भी एक बच्चा आया था, याद नहीं आ रहा कौन सा था आप में से, तो सर आंसर कैसे होगा, आंसर पूछ रहे थे ना। तो मतलब मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। मैंने कल क्लास में कहा कि भाई आंसर जब तक लिखोगे नहीं, जब तक वो करना नहीं आएगा। अभी आप फियर जोन में हो, आप अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकले, मगर आप डर रहे हो आंसर लिखते हुए। मगर किसी तरीके से आपने इस फियर जोन को पार कर लिया, तो आप कौन से जोन में जाओगे? आप जाओगे लर्निंग जोन के अंदर। यहां पर फिर आप धीरे धीरे चीजों को सीखना शुरू करोगे। लर्निंग जोन बड़ा डरावना होता है, इसको कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो वो डर के आगे जीत कौन सी है? ये लर्निंग जोन है। और लर्निंग जोन के बाहर आता है आपका ग्रोथ जोन। यहां पर आपकी असली ग्रोथ चालू होगी। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फियर जोन होता है, ये जो डर है आपके अंदर कि भाई ये मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा। आप वापस जंप करने की कोशिश करोगे, वापस अपने कंफर्ट जोन के अंदर। गॉट इट? तो इस तरीके से आप निकलिए यहाँ से और यू विल बी अ नॉलेजेबल पर्सन। पर इस ब्रेड एंड सर्कस से बचिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है आज के, स्पेशली आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि आप सिर्फ जोकर हैं जिनको नचाया जा रहा है। समझ रहे हैं कि मंदिर बन गया, शानदार भव्य मंदिर, बड़े बड़े, ये सब क्या है? अम्मानी जी की शादी हो रही है, 3 दिन देश ने सिर्फ यही देखा कि क्या नाम है लड़के का उसके, अनंत अम्मानी की शादी हो रही है, उसने 100 करोड़ का ये पहन रखा है, उसने 25 करोड़ की गाड़ी में बैठा, जनता पागल हुई पड़ी है। 3 दिन देश में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसी शादी के चर्चे हुए। पेट में रोटी नहीं है, रात के खाने का पता नहीं है, शादी में वो अनंतम मानी के वो उसको देख के एंजॉय कर रहा है। आप समझ रहे हैं? भव्य मंदिर मंदिर बन रहा है, 50 एक्टरों की लाइन लगी हुई है। क्या है ये? पुजारी बुलाते, स्टेट्स के चीफ वगैरह भी बुलाते, समझ आता। एक्टर बॉलीवुड की भीड़ लगी हुई है। क्या है ये? एंटरटेनमेंट है ये। सॉरी, कोई टर्म आया था, हाँ बताओ। शो ऑफ, शो ऑफ है बिल्कुल। ये शो ऑफ नहीं है भैया, वो बहुत चालाक प्राणी है ऊपर सारे। वो आपको लग रहा है शो ऑफ, वो आपको बना रहे हैं बेवकूफ बस। और आदमी, कोई मुझसे डिबेट भी करता है ना, देखो मंदिर, मैंने कहा मेरे को बात अच्छा है, बहुत बढ़िया बन गया, चलो अब खत्म करो टॉपिक, बहुत बढ़िया, बहुत सब कुछ अच्छा हो गया, अब बंद करो, अब मुद्दे की बात करो। क्योंकि कोई फिर मुद्दे की बात करेगा ही नहीं, वो इसी डिबेट के अंदर उलझा रहे। तभी मार्क्स ने क्या बोला था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। समझो बात को। कम्युनिस्ट लोग क्यों इन सब चीजों के खिलाफ है, नेशनलिज्म, रिलीजन, कम्युनलिज्म, इन सब, क्योंकि ये सब झुंझुने हैं, समझ रहे हो। ये सब वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपके लिए क्रिएट की गई हैं सो डेट आप असल मुद्दों से भटक जाएं। सो इनके जो भी आदमी आपसे आके डिस्कशन कर रहा है मंदिर के ऊपर या फिर अनंत अंबानी की शादी के ऊपर, ये सब बोलो यार ये सब टॉपिक मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है, मैं इनके बारे में बात ही नहीं करता, ये सब तो एंटरटेनमेंट है, वो पेज 3 वाली न्यूज है, ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। असल मुद्दे की बात करो कि भाई जीडीपी कहाँ जा रहा है, क्या है क्या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, जॉब कितने मिले, पॉवर्टी कितना कम हुआ, इन्फ्लेशन क्या है, ये बात करो। ऑल राइट, तो इसी के सहारे मैंने एक और टॉपिक किया क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर आप अपने एसेज और सोशल इश्यूज, नेशनल इश्यूज के ऊपर पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऑल राइट, वो तो प्लेटो का आइडिया था, मगर हमें उसमें नहीं जाना है। देखो यहाँ पे हम लोग मॉरल फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। अगर मैं प्लेटो और एरिस्टोटल के पूरे फिलॉसफिकल आइडियाज में जाने लगूंगा तो यहीं पे अपनी 10-15 क्लासेस खिंच जाएंगी। हम खाली एथिक्स के बारे में बात करेंगे, वही हमारे टॉपिक्स में आता है। सो रैशनलिस्ट थे, ये हमारा बेसिक मोटा मोटा आइडिया है एरिस्टोटल का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सोक्रेटिस, मैंने क्या बोला, एरिस्टोटल, अच्छा सॉरी, सोक्रेटिस। ऑल राइट, सोक्रेटिस, मतलब बहुत तरीके हैं बोलने के लोगों के। सो इस पे क्वेश्चन नंबर लिखो, 2015 क्वेश्चन 2 पार्ट बी, 2015 क्वेश्चन 2 पार्ट बी एंड 2020 क्वेश्चन 6 पार्ट सी, 2020 क्वेश्चन 6 पार्ट सी। एक और आइडिया लिखो सोक्रेटिस का, मतलब ये मेरे को लगता है कि मेरी टीचिंग फिलॉसफी भी है ये एक तरीके से, दैट आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, फुल स्टॉप। आई कैन ओनली मेक देम थिंक, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। ऑल राइट, बुद्ध भी यही बात कहते कहते मर गए बेचारे। जब मतलब आखिरी में उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ ही हफ्ते और जीऊंगा, तो उनके सारे डिसाइपल सब रोने लगे। तो बोले अभी तक तुमने कुछ सीखा ही नहीं, अभी भी तुम मेरे ही सहारे बंधे पड़े हो कि यही आके हमको गाइड करेगा। भैया अपना सच खुद ढूंढो, अपो दीपो भवा। तो यही बात सोक्रेटिस ने भी कही कि आप अपना सच खुद खोजिए, मेरे पीछे क्यों लगे हुए, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं, मैं तो खाली आपको सोचना सिखा रहा हूं। Alright, so ये बात हमारी यहां पर आती है। अब एंड क्या है, हैप्पीनेस। तो अब हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं कि हैप्पीनेस क्या है। Now, what is happiness? ये क्वेश्चन भी आया था 2014 क्वेश्चन 1 पार्ट A 14 क्वेश्चन 1 पार्ट A व्हाट इज हैप्पीनेस. ठीक है, हाँ, इमोशनल वेलबींग ठीक है, सेटिस्फैक्शन है, जॉय, कंटेंटमेंट, फिजिकल इमोशनल वेलबींग ठीक है. तो देखो हैप्पीनेस को तो हम कई लोग तो दर्द में भी खुश होते हैं, जबकि स्टेट ऑफ माइंड भी कह सकते नहीं. कई लोग तो दर्द में भी नहीं समझ रहे हो. हाँ, डोपामाइन का अच्छा साइकोलॉजिकल तरीका. डोपामाइन तो नहीं, देखो मैंने क्या बताया था आपको कि इमोशन चाहे कोई भी हो, हार्मोनल रिलीज लगभग सेम ही होता है, समझ रहे हो. तो डोपामाइन से तो एंगर भी आती है, हैप्पीनेस, दोनों ही चीजें आती है. ये तो आपके कॉग्निटिव अप्रेजल पे डिपेंड करता है. तो देखो हैप्पीनेस को दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. एक तो साइकोलॉजिकल वे में, इट्स अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट्स एन इमोशन which everybody desires for, इट्स अ सेंस, समझ रहे हैं. और एक फिलोसफिकल तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, that happiness is a way of life, it's a tendency of a person to live a virtuous life. आप समझ रहे हैं. तो दो तरीके हैं इसको डिफाइन करने के. आप वो चाहे तो लिख सकते हैं that, आप देखिए that happiness played a vital role Happiness played a vital role in ancient moral philosophy. In ancient moral philosophy, full stop. It can be defined in two ways. It can be defined in two ways. First, likhiye. That in psychology, happiness is a state of positive or pleasant emotions. Is a state of positive or pleasant emotions ranging from contentment to intense joy. All right. और फिर दूसरा लिखिए that in philosophy happiness is interpreted as a state of mind or a way of doing things. ठीक है, एक तरीका है, एक तरीके से जिंदगी जीने का मतलब हैप्पीनेस है. और वो क्या तरीका है? वर्चुअस लाइफ जीना. तो इसमें बाद में लिखे नेक्स्ट पैराग्राफ में दैट ऑल सोक्रेटीज, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, टुक दिस सेकंड व्यू. Full stop. For them, happiness is carrying out certain activities. Or doing things in a certain way. Full stop. They linked virtues with happiness. Virtues with happiness. Full stop. Virtues will lead to good life. Virtues will lead to good life, comma, which will further lead to happiness. All right. कि खाली वर्च्यू से ही एक अच्छी जिंदगी आ सकती है और उसी अच्छी जिंदगी से आपको असल खुशी मिलेगी. बाकी सब छलावा है, मोह माया है. बिना वर्च्यूज के जिए आप एक लॉन्ग टर्म खुशी आपको मिल ही नहीं सकती. मगर एज आई सेड कि हैप्पीनेस इट कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वे. जैसे मैंने वो बताया था आपको, हार्वर्ड का स्टडी बताया था, स्टडी ऑन एडल्ट डेवलपमेंट, व्हाट एक्चुअली लीड्स टू हैप्पीनेस. तो उसमें क्या था? अरे उसमें था गुड रिलेशनशिप्स, कि अच्छे रिलेशन से हम हैप्पीनेस पा सकते हैं. ऑल राइट. ऐसे ही ये क्वेश्चन महाभारत में भी पूछा गया था. मैंने आपको यक्ष वाली कहानी सुनाई थी, तो उसी में एक तो ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द हाईएस्ट धर्मा. मैंने बताया आपको कंपैशन इज द हाईएस्ट धर्मा. और एक क्वेश्चन यक्ष ने युधिष्ठिर से ये भी पूछा था कि व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है. तो उस समय युधिष्ठिर बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, ना घर था ना कुछ था, बेचारे जंगलों में भ्रमण कर रहे थे. तो उस समय उन्होंने एक बड़ा ही सिंपलिस्टिक आइडिया दिया हैप्पीनेस का. तो आप चाहे तो लिख लीजिए that a person who cooks vegetables in his own house, who has no debt, and who is not in exile, is truly happy. ये बात आई समझ आपको कि आप अपने घर में बैठे हैं, आप खाना बना रहे हैं. इसका मतलब भूख भी लग रही है. भूख, हेल्दी आदमी को भूख लगती है, तो आप हेल्दी भी हो, खाना बना रहे हो, खाना खाने को है, अपने घर में रह रहे हो, किसी का उधार नहीं चुकाना, ठीक है, अपनी कंट्री में बैठे हुए हो. तो खुश रहने के लिए इतनी कंडीशंस मोर देन इनफ है. बाकी इसके ऊपर तो चाहे आप जो मर्जी ऐड ऑन कर लो. ऑलराइट. इनफैक्ट सम पीपल, सम फिलोसफर्स, दे हैव फाउंड हैप्पीनेस इन पॉवर्टी. आप समझ रहे हो, कह रहे हैं कि सिंपल लाइफ के अंदर ही सच्ची खुशी है. जैसे इसमें डियोजनीस की एक स्टोरी आती है, सुनिए आप लोगों ने. डियोजनीस एक फिलोसफर थे, सड़क पर रहते थे, गरीबी में रहते थे और गरीबी के ही मजे लेते थे. सड़क पे बैठे हैं, he used to defecate in public, जो मर्जी, मतलब सड़क पे एनिमल टाइप की लाइफ, मगर खुश रहते थे हमेशा. एक दिन अलेक्जेंडर ने सुना इस व्यक्ति के बारे में, उनसे मिलने भी पहुंचे. बहुत ही फेमस मीटिंग है अलेक्जेंडर और डियोजनीस के बीच में. तो अलेक्जेंडर आए, खड़े हो गए पास डियोजनीस के, बोले कि तुम चलो मेरे साथ, तुम इतने ज्ञानी व्यक्ति हो, आई विल गिव यू ऑल द फेम. मैं तुमको एक कोर्ट में एक बड़ी पोजीशन दूंगा, द बेस्ट क्लोथ्स, बेस्ट वुमेन आई विल गिव यू. तुम बस ऑर्डर करो, तुम्हें आभूषण, पैसा सब मिलेगा. तो डियोजनीस एक मिनट देखता रहा, फिर बोला कि स्टेप बैक, यू आर ब्लॉकिंग माई सनलाइट विद योर शैडो. वो पास खड़ा था अलेक्जेंडर उसके, तो बोला भाई पीछे हट जा, तेरे शैडो से मेरी सनलाइट रुक रही है. ये सनलाइट से मुझे खुशी मिलती है, तेरे पैसे से मैं क्या करूंगा. समझ रहे हैं? जैसे क्या आज आप खुश हो? वो देखो टुडे, देखो क्या आईएएस बनकर खुश हो जाओगे? हाँ, जिंदगी आईएएस बनके तो और स्ट्रगल रह जाएगा. मेरे इतने सारे आईएएस दोस्त हैं, हमेशा उनकी जिंदगी की यही कहानियां चलती रहती हैं. प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कहाँ हुआ, नेताजी के साथ मेरे क्या रिलेशन है, हर वक्त यही चलता रहता है उनके अंदर. तो दे आर ऑलवेज इन दिस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर वेल्थ एंड पावर. वो कभी सांस ही नहीं ले पाते, कभी बैठकर सोचकर खुशी नहीं हो पाते चीजों को लेकर। नो सो इसमें लिख लो चाहे तो एक लाइन डेट डियोजनीज का क्या आइडिया था, डेट हैप्पीनेस इज अटेन्ड बाय सिंपल लाइफ, या फिर हैप्पीनेस इज अटेन्ड थ्रू सिंपल लाइफ, थ्रू सिंपल लाइफ कॉमा हैप्पीनेस इज अटेन्ड थ्रू सिंपल लाइफ कॉमा फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट स्ट्रगल for wealth and power, for wealth and power. पैसा आपको कभी खुश होने ही नहीं देगा, ये सत्य है, ये मैंने अपने जीवन में भी एक्सपीरियंस करी है चीज। आदमी साइकिल में फंस जाता है फिर कि आज इतना पैसा है, आज कल उतना पैसा हो जाएगा, परसों उतना पैसा हो जाएगा। नहीं, ये बहुत एक चक्र है, इसको 99 का फेर भी बोलते हैं। समझ रहे हो? तो इससे अच्छा इस अब गाड़ी खरीदी तो गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराओ हर साल, उसका मेंटेनेंस भी कराओ, और देखो कहीं गाड़ी लग तो नहीं गई। दुख होता है ना गाड़ी नहीं, गाड़ी स्पेशली लग जाए तो क्यों ही गाड़ी खरीदना। साइकिल पे चलो, थोड़ा सा डिस्टेंस है तो पैदल चलो, हेल्थ भी बढ़िया रहेगी तुम्हारी। हाँ, मैं तो व्यू पॉइंट बता रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, मैं अपने से रिलेटेड कुछ नहीं बता रहा, मैं तो पर्सपेक्टिव्स डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस पर्सपेक्टिव में बिलीव करते हैं। ऑलराइट, उनको पैसे से नहीं खरीद सकते आप लोग। ओके, सो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। जैसे इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स है, इंडिया का क्या पोजीशन है हैप्पीनेस इंडेक्स में? 126 आई थिंक आउट ऑफ 136। मेरे को एक तो 36 याद है, 36 है ना? हाँ, अरे भाई 126वीं पोजीशन है 136वीं में। चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार ऊपर कर लो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी कोई खुशी में बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी। तो ओवरऑल इंडिया में लोग खुश नहीं है। ऑल राइट, तब भी इतनी पॉपुलेशन है। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे एक सिविल सर्विसेज कैंडिडेट्स के बीच में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मैं देखता हूं, इसको हम बोलते हैं एनेडोनिया। शायद मैंने बताया था आपको ओरिएंटेशन क्लास में। नहीं, एनेडोनिया, एनेडोनिया इज बेसिकली योर इनएबिलिटी to derive pleasures from activities which are usually enjoyable. जैसे 2 साल यूपीएससी की तैयारी के बाद आप नॉर्मल चीजों को भी इंजॉय करना छोड़ देते हो। आप नॉर्मली आदमी मूवी देखने जा रहे हैं, इंजॉय करेगा, बारिश आ रही है इंजॉय करेगा, नहीं रेनी, वो बारिश आ रही है यूपीएससी का कैंडिडेट, अरे ये स्ट्रेटस क्लाउड है, ये क्यूमुलस है। मंदिर जा रहा है तो उसको गोपुरम दिखाई दे रहा है, गर्भगृह दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो यार, ये तो मथुरा है या गंधारा है, इसी में लगी रहती है जिंदगी सारी की सारी। समंदर किनारे लोग टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तुम वेव्स का पैटर्न देख रहे हो। नहीं, हाँ डॉक्टर्स के साथ भी होता है ये, वो सारी बीमारी उनको लगता है सारी बीमारियां हमको हैं। हाँ, डायग्नोसिस करते रहते हैं। तो ये इसको एनेडोनिया कहते हैं कि आप मतलब यू स्टार्ट लिविंग लाइक अ डेड बॉडी। मैं कहता हूं कि यहाँ पे राजेंद्र नगर इज अ ज़ॉम्बी लैंड ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आपको लोग नहीं ज़ॉम्बीज दिखाई देंगे। ऑलराइट, तो पढ़ते पढ़ते ज़ॉम्बी मत बन जाइएगा, अपना लाइफ को एंजॉय करेंगे तब जाके अच्छे से पढ़ाई होगी और तभी जाके सिलेक्शन भी होगा। मेरे आसपास मेरे को, मैं बहुत सीरियस था, डरपोक काइट, मैंने बताया था आप लोगों को, मैं वो राजू था 3 इडियट्स वाला, तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आसपास मेरे 2-3 लोग थे, मस्त मौला रहते थे, पढ़ते थे, एंजॉय भी करते थे लाइफ को, और उनका सिलेक्शन भी, और जॉब भी करते थे साथ में, उनका सिलेक्शन भी हुआ। ऑलराइट, सो जितना लाइफ के साथ मतलब एक सेलिब्रेशन है, लाइफ जश्न है एक, तो इसको एंजॉय करते हुए आप पढ़ेंगे, देन योर चांसेस ऑफ सक्सेस विल इंक्रीज। ये सोचोगे कि एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर खुश होऊंगा, तो वो टाइम कभी नहीं आने वाला। आज ही खुश हो लो जितना होना है। सो हैप्पीनेस के ऊपर आई जस्ट गेव यू फ्यू पर्सपेक्टिव्स, एक सिंपल लाइफ का पर्सपेक्टिव दिया, एक वर्चूज का पर्सपेक्टिव दिया मैंने आपको। ऑलराइट, शाम अभी क्लास अभी पे कॉन्सेंट्रेट करो, शाम बाद में आएगी। ठीक है, मतलब मुकम्मल तौर से करो। मतलब ये बात भी मैं कहता हूँ, मुकम्मल तौर से करो जो भी काम करो। मतलब व्हेन यू आर स्टडिंग, स्टडी हार्ड। ऐसा पढ़ो कि भाई किसी ने पढ़ा ना हो, और जब एंजॉय करो तो ऐसा करो कि भाई ऐसा किसी ने एंजॉय ना किया। कोई भी काम करो पूरे तरीके से करो। लोग आधा अधूरा काम करते हैं, नहीं तो इश्क भी करो तो ऐसा करो ना कि एग्जाम्पल देगी, हाँ भैया इसने किया था इश्क। यही होता है, मीडियोकर चीजें लोग करते हैं, उसी में मीडियोकर पर्सनालिटी ही बनती है। एक्सट्रीम में करो। अब देखो, अभी कहोगे सर अभी तो मध्य मार्ग बता रहे थे, अभी बताऊंगा, अभी कह रहे हो एक्सट्रीम में करो। मतलब बट यूथ इज अ टाइम जहां पे एक चीज तो जिंदगी में एक्सट्रीम में होनी चाहिए, कुछ तो याद के लिए होना चाहिए बच्चों को बताने के लिए कि ये देखो तुम्हारे बाप ने क्या कारनामा दिखाया था। सो दिस इज द आइडिया, ये हमारा हैप्पीनेस का आइडिया है। अब इन सब पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बेस करके आप अपना आंसर खुद बनाइए कि मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है। गॉट इट? चलिए, सो ये हमारा एक सोक्रेटिस का हैप्पीनेस का आइडिया। अच्छा, सोक्रेटिस ने क्या बोला हैप्पीनेस पे, वो और लिख लो थोड़ा सा। मतलब ये तो मैंने जेनरिक में आपको बताया, सोक्रेटिस ने क्या कहा ये लिख लो। डेट एज पर सोक्रेटिस कॉमा, as per Socrates, all human beings naturally desire happiness. Naturally desire happiness. Full stop. Happiness is obtainable and teachable. Happiness is obtainable and teachable through human effort. Through human effort. Full stop. It depends not on external goods. It depends not on external goods, but how we use these external goods. But how we use these external goods. मतलब हैप्पीनेस एक्सटर्नल गुड्स पे डिपेंड नहीं करती, आप कैसे यूज कर रहे हो। अब कई लोग तो मारुति में भी इंजॉय कर लेते हैं, चार दोस्त बैठे हो तो एक बाइक भी बहुत है, ठीक है। अकेले हैं तो मर्सिडीज में भी आदमी खुश नहीं रहेगा। तो ये तो डिपेंड करता है हाउ यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट, व्हाट योर कंपनी इज। तो आगे लिखिए, आगे लिखिए। दैट हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डिजायर, द एजुकेशन ऑफ डिजायर। हैप्पीनेस depends on the education of desire. Education of desire को inverted commas में डाल दो, education of desire, that is the soul, that is the soul moves away from physical pleasure, moves away from physical pleasure and try to develop knowledge and virtues, and try to develop knowledge and virtues. ये बात आई समझ आपको कि हैप्पीनेस है क्या। आप अपनी डिजायर को एजुकेट करिए। आपकी डिजायर क्या है, आज आईएएस बने, पावर कमाए, पैसा, यही है ना। तो ये डिजायर को एजुकेट करना पड़ेगा। डिजायर आपकी होनी चाहिए वर्चूज डेवलप करने की, एंड व्हेन यू विल डेवलप वर्चूज then you will achieve true happiness. ये सोक्रेटिस का आइडिया था. ऑलराइट, मगर ऐसे आइडिया वालों का एग्जीक्यूशन हो जाता है. तो सोक्रेटिस को भी अरेस्ट कर लिया गया फाइनली. जस्ट लाइक हिज लाइफ, हिज डेथ वाज आल्सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी. ओके, फाइनल एग्जीक्यूशन कैसे, क्या किया गया था? ये हैमलॉक रट लेते हैं बस, पता नहीं शब्द से लोगों को बड़ा प्यार है, अच्छा शब्द है. मतलब एग्जीक्यूट, देखो जैसे मैंने कहा ना कि वो सोफिस्ट लोग बड़े पावरफुल थे, वो राजा वगैरह के साथ में रहते थे, तो उन्होंने भड़का दिया प्रिंसेस को, नोबेलिटी को, कि भैया ये आदमी तो यूथ को भड़का रहा है आपके खिलाफ, ये तो विद्रोह करा देगा. एंड दिस गाय इज ऑल्सो नॉट रिकग्नाइजिंग द गॉड्स ऑफ द सिटी, ये तो भगवान के खिलाफ ही उल्टा सीधा बोल रहा है. सो ही वॉज अरेस्टेड, उसके उनके खिलाफ केस चला. इनफैक्ट पहला ब्लेस्फेमी का केस मुझे लगता है इतिहास के अंदर वो सोक्रेटिस के ऊपर चला था. ऑलराइट, तो कोर्ट ने उनको बोला कि भाई तुम ये सब कर रहे थे. बोला मैं तो बस लोगों को सोचने के लिए बोल रहा था, ये सब थोड़ी था. तो बोला चलो तुम माफी मांग लो, अपॉलोजाइज करो, तुम्हें छोड़ देंगे. बट उन्होंने मना कर दिया. आप समझ रहे, उन्होंने इस पर एक बात बोली, वो लिख लो. ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2019 क्वेश्चन 6 पार्ट ए, 2019 क्वेश्चन 6 पार्ट ए. क्या बोले ये? दैट एन अनएग्जामिन्ड लाइफ, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, कि ऐसी जिंदगी को जिसको एग्जामिन ही नहीं किया, उसकी जिंदगी का क्या फायदा. आप इंसान पैदा हुए हैं, आप में जानवर में ये तो फर्क है कि आप एग्जामिन कर सकते हो. सो यू आर बोर्न एज ह्यूमंस एंड यू हैवंट एग्जामिन्ड योर लाइफ, देन इट्स अ नॉट अ फेलियर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग. गांधी जी ने एग्जामिन किया, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. बुद्ध ने एग्जामिन किया, जंगल गए. पांडवों ने एग्जामिन किया, जंगल गए. नहीं, राम जी जंगल गए, एग्जामिन किया लाइफ को. मोदी जी कहाँ गए थे? हिमालय गए. हाँ, मोदी जी भी ध्यान करते हैं हमारे. इटली तो वो जाते हैं ना हमारे दूसरे वाले. ये हमारे सारे आइडियाज हैं कि आप एग्जामिन करिए लाइफ को. इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसे ही आंसर बनेगा. इन्हीं सबके एग्जाम्पल्स देने हैं आपको. इनफैक्ट वो डरे नहीं, इसलिए एक और फ्रेज उनकी लाइफ से आता है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर. स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर. समझ आई बात ये कि कमजोर के आगे तो सच बोलना बड़ा आसान होता है कि भाई तू गरीब है, तू ये है. मगर ताकतवर के आगे उसके मुंह पर सच बोलो, तब पता चलेगी तुमको क्या है. ऑलराइट, सो जैसे भगत सिंह ने किया, ही स्टूड अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिशर्स. महात्मा गांधी ने ये काम करके दिखाया. ऑलराइट, इनफैक्ट महात्मा गांधी ने सोक्रेटिस को क्या बोला है, ये लाइन इंक्लूडेड, गांधी जी हैज कॉल्ड सोक्रेटिस द फर्स्ट सोल्जर ऑफ ट्रुथ. Mahatma Gandhi has called Socrates the first soldier of truth. Soldier of truth क्या हुआ? ब्रैकेट में सत्याग्रही, basically the first सत्याग्रही. Okay, eccentric का एग्जाम्पल में भी आप डाल सकते हो. eccentrics बताए थे ना मैंने आपको, those who have a deviant thought process, जो समाज से थोड़ा अलग सोचते हैं. और ऐसे लोगों को हमेशा वेलकम करना चाहिए, बिकॉज सच पीपल दे कॉन्ट्रीब्यूट टू The progress of society. ये सोसाइटी को चैलेंज करते हैं. Eccentrics बताया था मैंने, ECCENTRICS. But finally he was punished. He was made to drink a cup of poison, hemlock, और finally उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, हर महान व्यक्ति के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई है. बुद्ध के खिलाफ भी बहुत ब्राह्मण लोग बहुत बोलते थे. ठीक है, चाहे बुद्ध हो, चाहे आपके ओशो भी बेचारे आखिरी में उनकी डेथ हो ही गई। ओशो किसके बारे में बात करते थे? सब लॉजिक के ऊपर बात करते थे वो। ऑलराइट, तो ओशो हो, चाहे आपके तुलसीदास हो, सबके बारे में तुलसीदास जी ने काफी, मतलब जितने भी आपके ये भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट के जितने भी आपके स्कॉलर्स रहे, सबके खिलाफ आवाज उठी। उनके साथ दे वर आल्सो पर्सिक्यूटेड। ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया। ये हमारा सोक्रेटिस का आइडिया था। अब हम लोग नेक्स्ट फिलोसफर की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज प्लेटो। नहीं, मतलब लोग उनके, जब तुलसीदास जी ने अवधि में किया था ना, उन्होंने जो रामचरितमानस उन्होंने लिखी, तो लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था उस वक्त कि भैया ये तो संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखी है, तुम कौन होते हो इसको ट्रांसलेट करने वाले? आज उसी की पूजा होती है, उसी के दोहे पढ़े जाते हैं। इनफैक्ट कुरान को भी जब उर्दू में ट्रांसलेशन हुआ था तो उसके खिलाफ भी बहुत आवाज उठी थी। ओरिजिनल कुरान, मतलब वैसे कुरान तो उर्दू में थोड़ी थी, उर्दू तो इंडियन लैंग्वेज है एक। प्लेटो, अब प्लेटो कौन थे? बेसिकली ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, स्टूडेंट ही थे सोक्रेटिस के। और सोक्रेटिस की डेथ के बाद वो एथेंस छोड़ के थोड़े टाइम इधर उधर घूमे और फिर वो वापस एथेंस ही आ गए थे। और वहां पे आके उन्होंने एक अपना फर्स्ट स्कूल ऑफ लर्निंग एस्टैब्लिश किया, जिसको हम अकेडमी कहते हैं। ठीक है, जो वर्ड अकेडमी है वो यहीं से आता है। ऑलराइट, और इनका एक बहुत फेमस बुक था, द रिपब्लिक। कैसे सोसाइटी का ओरिजिन होता है, कैसे सोसाइटी की स्ट्रक्चरिंग होती है, इन सब के बारे में प्लेटो ने बात करी अपनी बुक के अंदर। मगर देखिए, प्लेटो और सोक्रेटिस में एक बहुत बड़ा अंतर था। सोक्रेटिस हमारे, देखो ये, अच्छा एक चीज मैं और बताऊंगा, अक्सर लोगों को सोक्रेटिस और प्लेटो में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन इसलिए कि सोक्रेटिस वाज नेवर अ सिस्टमैटिक राइटर। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, कभी कुछ लिखा ही नहीं हो, तो बस आते बोल देते थे इधर उधर। मगर प्लेटो ने क्या किया कि प्लेटो ने अपनी जो बुक थी द रिपब्लिक, इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम सोक्रेटिस है। तो सोक्रेटिस ये सब बातें कह रहा है, तो कंफ्यूजन ये है कि क्या कोई असल में कोई सोक्रेटिस था जिसने ये सारी बातें कही थी, या फिर प्लेटो इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सोक्रेटिस। समझ रहे हो ये बात? तो कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि सोक्रेटिस कोई था ही नहीं, ये तो बस एक कैरेक्टर है। जो रिपब्लिक बुक है प्लेटो की, उसमें बस एक कैरेक्टर है, अदरवाइज उसका कभी एग्जिस्टेंस नहीं रहा सोक्रेटिस का, क्योंकि कभी कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने। सो जितने भी आइडियाज हमने सोक्रेटिस के बारे में डिस्कस किए, वही सारे आइडियाज हम प्लेटो के बारे में भी लिख सकते हैं। तो अगर सोक्रेटिस वर्च्यू एथिसिस्ट थे, एथिकल रैशनलिस्ट थे, तो वो सारे आइडियाज प्लेटो को भी हम लोग दे सकते हैं। ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। प्लेटो देखो, बहुत अपना, सोक्रेटिस प्लेटो में जमीन आसमान का अंतर था। सोक्रेटिस तो अप्लाई करने में ज्यादा बिलीव करते थे, प्लेटो थियोराइज करने में बिलीव करते थे। सोक्रेटिस तो घूमते थे इधर उधर, बातें कर ली लोगों से, और प्लेटो क्या करते थे, कमरे में बैठे हैं, सोच रहे हैं और लिख रहे हैं। आर्म चेयर फिलोसफी जिसको कहते हैं ना, एक तो होता है फिलोसफी कि भैया आप दुनिया जहां में घूमे और आपने ज्ञान इकट्ठा किया, एक है कमरे में बैठ के बस दिमाग लगाया, सोचते गए, लिखते चले गए। तो प्लेटो इस तरीके के बंदे थे। अपनी पूरी जिंदगी में वो बहुत ज्यादा नहीं घूमे, मतलब एक बहुत छोटे से ही एरिया के अंदर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। सो अब इनका क्या थ्योरी है? इन्होंने भी, ही वॉज ऑल्सो अ वर्च्यू एथिसिस्ट थे, और इन्होंने 4 कार्डिनल वर्च्यूज के बारे में बात करी, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्कूल्स मैंने बताई दी, एथिकल रैशनलिज्म, और ये एथिकल यूनिवर्सलिज्म में भी बिलीव करते थे, वो भी लिख लो आप। एथिकल रैशनलिज्म, एथिकल यूनिवर्सलिज्म। ही टॉक्ड अबाउट four cardinal virtues. ये मैं डायग्राम बना रहा हूं एक, पहले ये बनाएंगे। नहीं चलता है डन। अब देखो इन्होंने क्या कहा प्लेटो ने कि दीज आर द फोर कार्डिनल वर्चूज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सोसाइटी एंड स्टेट। हर सोसाइटी और स्टेट में ये चार वर्चूज मिलते हैं, इसलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एथिकल यूनिवर्सलिज्म, कि ये चारों वर्चूज यूनिवर्सल है, हर सोसाइटी में हर जगह ये मिलते हैं। तो पहला लाइन जो है वो आप लिख लो डैट Plato identified लिखो, बल्कि Plato identified four cardinal virtues that are necessary, four cardinal virtues that are necessary for a happy individual, and for a good society। अब देखो इसको समझो अच्छे से आपको, और मैं देखो फिर इंडियन फिलोसफी के साथ कंपेयर करता हुआ चल रहा हूँ कि कैसे सोसाइटी की स्ट्रक्चरिंग हो रही है। ये क्या कह रहे हैं प्लेटो कि इंसान की जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, उसके तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो सोचता है, एक पार्ट जो फील करता है, और एक पार्ट जो डिजायर करता है। हर आदमी में ये तीन चीजें मिलेंगी आपको, नहीं, सोचना, फील करना और डिजायर करना, ये हर इंसान की ये फितरत है, ये तीन चीजें मिलेंगी। जिस इंसान की आत्मा सोच अच्छा सकती है, वो आदमी कौन सी क्वालिटी रखता है? प्रूडेंस। जिस आदमी की आत्मा इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर लेती है, इमोशन बढ़िया काम कर रहे हैं, कंट्रोल में है, वो फोर्टिट्यूड डेवलप करता है। इसमें इसका मतलब फोर्टिट्यूड है उसमें। और जो डिजायर्स पे अच्छे से मैनेज कर सकता है उसमें मतलब टेम्परेंस है। और इन तीनों के इंटरप्ले से जस्टिस आती है। अब हाँ सॉरी, अभी आऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। टेम्परेंस मतलब टॉलरेंस, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। टेम्परेंस कहते हैं ना, शांत रखना अपने आप को, गुस्से पे काबू रखना, ये सब मतलब अवॉइडिंग एक्सेसेस, ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, ना बहुत ज्यादा खुश हो जाना, इसको टेम्परेंस बोलते हैं। अब देखो डिवीजन ऑफ सोसाइटी क्या है। वेस्टर्न वर्ल्ड में प्लेटो के हिसाब से एक सोसाइटी के तीन हिस्से होते हैं, राजा, आर्मी और प्रजा। राजा व्यक्ति कौन बनेगा? हु शुड बिकम द किंग? जिसमें लॉजिक सबसे ज्यादा होगा, जिस आदमी की आत्मा में लॉजिक का पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रेंथेंड है, सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड है, वो व्यक्ति राजा बनना चाहिए, वो व्यक्ति फिलोसोफर किंग बनेगा। जिस व्यक्ति की आत्मा में फोर्टिट्यूड सबसे ज्यादा है, मतलब ये इमोशनल पार्ट सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, वो कौन बनेगा? आर्मी में जाएगा। और जिस व्यक्ति में ये वाला पार्ट वेल डेवलप्ड है, डिजायर्स वाला, टेम्परेंस वाला, वो सिटीजन बनेगा। अब इंडियन सोसाइटी क्या कहती है? इंडियन सोसाइटी में क्या डिवीजन है सोसाइटी का? 4-fold डिवीजन है, वरना सिस्टम फॉलो होता है। वहां पे क्या है? ट्रिपटाइट मॉडल ऑफ सोल। यहाँ पर क्या है? वरना सिस्टम। 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी। जैसे यहाँ पे तीन क्वालिटीज हैं, लॉजिक, इमोशन और डिजायर्स, वहां पे इंडिया में कौन सी तीन क्वालिटीज हैं? क्वालिटीज सत्व, राजस एंड तमस। सत्व देवताओं की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी, नॉलेज वगैरह लो। राजस आदमियों की क्वालिटी होती है, पैसा कमाओ, शोहरत कमाओ, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए। और तमस डीमंस की क्वालिटी है बेसिकली, कि खाओ पियो, शराब पियो, हैव सेक्स, मतलब इस तरह की बेसिक इंस्टिंक्ट्स वाली चीज है। ऑलराइट, अब ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन बन सकता है? जिसमें सत्व ज्यादा होगा, वो सत्व ज्यादा होगा और अपने कर्म के हिसाब से वो ब्राह्मण बन जाएगा। जिसमें राजस और सत्व का मिक्स होगा वो क्षत्रिय बन जाएगा। जिसमें राजस और तमस का मिक्स है, ज्यादा है, वो वैश्य बनेगा। और जिसमें तमस सबसे ज्यादा है वो शूद्र बन जाएगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये इंडियन सोसाइटी का 4-fold डिवीजन था। इंडियन सोसाइटी ऐसे ऑर्गेनाइज की गई और वेस्टर्न सोसाइटी इस मॉडल पे ऑर्गेनाइज की गई। मगर दोनों में मेजर अंतर क्या था? मेजर अंतर यह था कि प्लेटो ने तीनों को बराबर रखा। प्लेटो ने इनको हायरार्किकली ऑर्गेनाइज नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि राजा का रोल प्रजा के रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल थ्री मस्ट बी ट्रीटेड इन एन इक्वल मैनर, इन अ फेयर मैनर। जबकि इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ गई कि इनको हायरार्किकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया गया। वेस्टर्न वर्ल्ड में हायरार्की नहीं आई थी, इंडियन थ्योरी के अंदर हायरार्की आ गई। और यही सबसे बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से ये थ्योरी से इनइक्वालिटीज डेवलप हुए, इसकी वजह से इनजस्टिस हुई लोगों के साथ। क्योंकि जैसे ही पावर आई ब्राह्मणों के पास, वो फौरन करप्ट हो गए। उन्हें लगा कि अब पावर हमारे पास है, हमारे पास ही रहनी चाहिए, वो धर्म के रास्ते से भटक गए। ऑलराइट, आपको देखो मैंने इसलिए कंपेयर किया है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि सोसाइटी अरेंज कैसे होती है। गॉट इट? अच्छा, कोई क्वेश्चन? हाँ भाई, चौथा जस्टिस हो गया ना, चौथा जस्टिस हो गया। भी बताऊंगा इन 4 कार्डिनल वर्च्यूज के बारे में, ये है क्या? नहीं, सुपीरियर नहीं बोला उसने। किंग, देखो पहले तो जात से या फिर पैदाइश से इसका कोई संबंध नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर the family in which you are born, it is sheerly based on the qualities that you have. अगर आपके पास दिमाग बड़ा तेज है, विलक्षण बुद्धि के आप हैं, तो फिर आप राजा बनने योग्य हैं। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं सबसे पहले प्रूडेंस के ऊपर। प्रूडेंस लिखिए। प्रूडेंस और विजडम में क्या अंतर होता है? प्रूडेंस और विजडम सेम। प्रूडेंस का मतलब होता है प्रैक्टिकल विजडम, प्रैक्टिकल विजडम, या फिर एक लाइन लिख लीजिए, ability to govern and discipline oneself, govern and discipline oneself by the use of wisdom, govern oneself by the use of wisdom। मतलब रावण भी विजडम वाला आदमी था, इंटेलिजेंट था, विजडम वाला, मगर इमोशनल क्या कहते हैं उसको, इमोशनल वीकनेसेस की वजह से, लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल की वजह से उसकी विजडम खत्म हो जाती थी। ऑलराइट, सो विजडम का मतलब क्या होता है? इसमें लिख लो दैट, प्रूडेंस के अंदर ही आ जाएगा, दैट इट इज द एबिलिटी to navigate through, it is an ability to navigate through complex situations, navigate through complex situations in a logical, informed and calmed manner, logical, informed and calmed manner। एक शांति के तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे एक लाइन और लिखो, डेट प्रूडेंस इज द चैरिटियर ऑफ अदर वर्चूज, प्रूडेंस इज द चैरिटियर ऑफ अदर वर्चूज। इसका क्या मतलब हुआ? गाइडिंग देम, मतलब विजडम ही सारे वर्चूज को गाइड करती है। जैसे आप करेजियस आदमी हो, ब्रेव आदमी हुआ, लेकिन आप में विजडम नहीं है, तो यू मे एंड अप बिकमिंग अ टेररिस्ट। ठीक है, आप गली के गुंडे बन सकते हो। फिर उसी प्रकार से कैन यू डू जस्टिस इफ यू डोंट हैव विजडम? नहीं कर सकते। और टेम्परेंस भी तभी आती है जब आप नॉलेजेबल होते हैं, जब आपके अंदर विजडम, कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। जितने ज्यादा आप पढ़े लिखे हो जाएंगे उतना ही विनय, उतने ही हम्बल आप हो जाएंगे। ऑलराइट, जो कम पढ़ा लिखा आदमी होता है वो हमेशा ज्यादा शोर मचाता है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, बहुत सारे हैं, थोता चना बाजे घना, ये भी एक लाइन बोलते हैं कि जिसमें कुछ नहीं होता वो बजता, वो ज्यादा बजता है, वो ज्यादा शोर मचाता है। Right. वो अलग सेंस के अंदर हो गया। ठीक है, सो विजडम का हमारा ये आइडिया बनता है। तो विजडम आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब दूसरा आता है हमारा फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? फोर्टिट्यूड और करेज लगभग सेम चीज है। करेज जब कंसिस्टेंट बेसिस पर दिखाया जाता है तो वो फोर्टिट्यूड हो जाता है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, आपके हैंडआउट में भी गिवन है, ये लिख लो चाहे तो। करेज व्हेन शोन इन कंसिस्टेंट मैनर, करेज व्हेन शोन इन कंसिस्टेंट मैनर इज कॉल्ड फोर्टिट्यूड। ओके, आप आगे लिखे थे, फोर्टिट्यूड इज ब्रेवरी बेस्ड ऑन जस्टिस, it is bravery based on justice। मतलब ये सब बातें सेम है, courage, fortitude, इन सब एक ही, ये सब बातें लिख सकते हो आप। आगे लिखिए that courage is resistance to fear, courage is resistance to fear, comma mastery over fear, mastery over fear, comma not absence of fear। ओके, और करेज क्या खाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में दिखाते हैं? नहीं, कभी कभी जीना भी अपने आप में एक एक्ट है करेज का। समटाइम्स इवन टू लिव इज एन एक्ट ऑफ करेज, डोंट यू थिंक सो? जैसे आप लोग, यू गाइस आर सर्वाइविंग, मतलब दिन में 10 घंटे की आप क्लास लेते हो, तो इट्स एन एक्ट ऑफ करेज। नहीं है कि नहीं है? स्कूल में सोचे थे कि कभी 3 घंटे क्लास में एक साथ बैठोगे? स्कूल में कितनी देर का पीरियड होता था? 40 मिनट्स 45 मिनट्स और उसमें भी आफत आने लगती थी आखिरी के 10 मिनट कि भैया कब घंटी बजेगी, बाहर दरवाजे की तरफ देखने लगते थे। आज 2.5 घंटे बैठते हो। ये सब देखो, ह्यूमन बॉडी की तो इन्फाइनाइट कैपेसिटी है। जैसे मैं वहां त्रिवेंद्रम में था तो वहां हर 1.5 घंटे के बाद ब्रेक होता था, तो 1 घंटा पूरे होते अरे यार ब्रेक 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 होगा, समझ रहे। यहाँ पे 2.5 घंटे की मैंने 4-4 घंटे तक की क्लास ले रखी है। इट इज ऑल अबाउट अडेप्टेशन। जैसा आप बनाओगे अपने शरीर को वैसा वो बन जाता है। ऑल राइट, अब आप डेली वेंडर्स को देख लीजिए जो सड़क पे सामान बेचते हैं। सवेरे 5 बजे उठ जाते होंगे, सारा सामान तैयार करना। एक वो छोले कुलचे वाला एक मैंने देखता था, 8-9 बजे वो बेचारा दूर से 4-5 किलोमीटर से अपनी रेडी खींचते हुए लेकर आता है, दोपहर तक बेचता है सामान, फिर सामान को पूरा करके फिर शाम तक जाता है हिसाब के, मतलब कितना, और सारी मतलब सामान भी इकट्ठा कर रहा है, सब कर रहा है, मतलब पूरे दिन का कितना स्ट्रगल है। ना उसको कोई फैसिलिटी है, अकेला काम कर रहा है बंदा, ना वॉशरूम की फैसिलिटी, ना किसी पे काम छोड़कर जा सकता, ना उसको तो बीमार होने तक का अधिकार नहीं है। ऑल राइट, तो वो है मुश्किल जिंदगी। आप लोगों की जिंदगी मुश्किल है, एयर कंडीशन रूम में इतनी आरामदायक चेयर के ऊपर बैठे हो और करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है। एंड यू थिंक दैट योर लाइफ इज डिफिकल्ट। अगर सचमुच डिफिकल्ट जिंदगी देखनी है तो आसपास देखो लोगों को, आपको पता चलेगा कि जिंदगी की असली मुसीबतें होती क्या है। जब 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए पूरे महीने धक्के खाने पड़ते हैं, वो मुश्किल होती है। मुझे लगता था कि एज अ स्टूडेंट माई लाइफ इज डिफिकल्ट, बट असल जिंदगी की मुसीबतें तो स्टूडेंट लाइफ के बाहर शुरू होती हैं। When you will go for your first job, समझ रहे? तो इतना आसान नहीं है जितना चीजें लगती है। स्टूडेंट लाइफ बहुत ईजी है उसके मुकाबले। यहाँ पे तो सिर्फ आपको खाना है, पढ़ना है और करना है, मतलब 2-3 ही काम है आपकी जिंदगी के अंदर, कोई टेंशन नहीं है। सो एक ये सेनेका का कोट है, ये लिख लो आप लोग, दैट समटाइम्स इवन टू लिव इज एन एक्ट ऑफ करेज। Sometimes even to live is an act of courage. सेनेका एक रोमन फिलोसोफर है। सेनेका, SENECA। फिर आता है आपका टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब क्या है, बताया मैंने आपको, सेल्फ रिस्ट्रेंट, एक तरीके का सेल्फ कंट्रोल। तो उसमें लिख लीजिए दैट टेम्परेंस इज अ स्ट्रेंथ। टेम्परेंस इज अ स्ट्रेंथ दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस, दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सेस एंड कंसिस्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। Self-regulation consists of self-regulation and obedience to authority. Full stop. It also suggests harmony. Also suggests harmony among conflicting elements. Full stop. It is an exercise of self-restraint and moderation in all aspects of life. मतलब हर लाइफ के कोई, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटीज में कोई काम नहीं करना, सारे काम आपको लिमिट में करने हैं, कंट्रोल करके करने हैं। ओके, तो वो हमारा टेम्परेंस कहलाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल मॉडरेशन, फॉर सेल्फ कंट्रोल। फिर आखिरी में हमारा आता है जस्टिस। अब जस्टिस का मतलब क्या है? फेयर, गिविंग पीपल व्हाट दे डिजर्व। फेयर ट्रीटमेंट से क्या हमेशा जस्टिस हो जाती है? फेयरनेस डज ऑलवेज लीड्स टू जस्टिस। मैंने बताया था आपको, नहीं होती। देखो जस्टिस, जैसे एक तो हमारा ये आइडिया हो गया, जस्टिस को कई तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सच बोलना, जैसे एज यू सेड, जैसे इन दिस बुक द रिपब्लिक ओनली बहुत सारे कैरेक्टर्स को मतलब कहते हैं कि वो फिलोसफर्स थे, कई लोग कहते हैं प्लेटो की किताब के कैरेक्टर्स थे, बट 3 लोग थे, इन्होंने अलग अलग तरीके से जस्टिस को एक्सप्लेन किया। जैसे एक आए सेफेलस, पोलेमार्कस एंड थ्रेसीमैकस। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट सेफेलस सेड, सेफेलस ने क्या कहा, दैट जस्टिस, व्हाट सेफेलस सेड दैट justice consists in speaking the truth and paying one's debt debt डेप्ट कह लो या डेट कह लो। ये बहुत ही लिबरल व्यू है जस्टिस का, कि जैसा इन्होंने भी कहा कि सच बोलो और अपना जो भी आपका उधार है वो चुका दो, वही जस्टिस है। फिर आई ये पॉलीमार्कस, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक मिडिल पॉइंट दिया। इन्होंने कहा जस्टिस इज डूइंग गुड विद फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज, टिट फॉर टैट, समझ लो, टिट फॉर टैट अप्रोच। जस्टिस इज डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज। तो ये एक बेसिकली बैलेंस्ड व्यू है कि दोस्तों के साथ अच्छा करो, दुश्मनों के साथ बुरा, यही जस्टिस है। मगर थ्रेसीमैकस ने दिया एक रेडिकल व्यू। इन्होंने क्या कहा, दैट जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। ये बात आई समझ, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, मतलब जो स्ट्रॉन्ग आदमी के फायदे में है, जो उसका इंटरेस्ट है वही जस्टिस है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना है आप लोगों ने ये। तो जिसके पास बल है, जिसके पास शक्ति है, जस्टिस उसी के हिसाब से इंटरप्रेट की जाती है। अब अमेरिका को लगता है कि इराक पे वॉर करना ठीक था, रशिया को लगता है यूक्रेन पे मिसाइल्स दागना ठीक है, इसराइल को लगता है पैलेस्टीन पे उनके सिटीजन्स को मार देना ठीक है, तो वो जस्टिस है। अमेरिका को लगा अफगानिस्तान पे बम गिराएंगे, वो जस्टिस है, तो वो जस्टिस है। स्ट्रॉन्ग डिसाइड करता है कि जस्टिस क्या होती है, ये थ्रेसीमैकस का कहना है। समझे आप, न्याय क्या है? बताया ना मैंने कि अमीर आदमी को फांसी नहीं लगती, गरीब आदमी को फांसी लगती है। कैपिटल पनिशमेंट इज फॉर दोज विदाउट कैपिटल। नहीं, जैसे प्रेमचंद जी ने एक बार कहा था कि मुंशी प्रेमचंद, सुना होगा ना, कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वो जैसे चाहे इन्हें नचाती है। समझ रहे हैं आप, न्याय, नीति, ये एथिक्स, जस्टिस, ये क्या है? ये माया, ये पैसे के टॉयज है, ये खिलौने हैं। ये पैसा जैसे चाहे इनको इंटरप्रेट कर सकता है, इनको नचा सकता है। आज जैसे ये दिल्ली गवर्नमेंट का जो चल रहा है सारा का सारा ड्रामा, अगर जिस शिद्दत से सीबीआई और ईडी इस केस पे काम कर रहे हैं, इस शिद्दत के साथ अगर वो सभी केसों पे काम करें तो ये देश करप्शन मुक्त हो जाए। एक, मैं कहता हूं, 95% पॉलिटिशियन जेल में पहुंच जाए अगर इस शिद्दत के साथ। 95 भी मैंने एक कंजर्वेटिव ही बोला है मतलब जिस शिद्दत के साथ इस केस पे काम हुआ है। तो ये पावर है सीबीआई ईडी की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जस्टिस क्या है? इंटरेस्ट है स्ट्रॉन्गर का। तो ये एक रेडिकल व्यू है, और अगर असल जिंदगी में हम देखें तो कहीं ना कहीं यही फॉलो हो रहा है। चाइना अब साउथ चाइना सी पे जो मर्जी चाहे कर रहा है, वो वहां की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर जैसा मर्जी डोमिनेट करता है। कोई कुछ उखाड़ सकता है? उसका नहीं है, उसे भाई हम पावरफुल है, हम डिसाइड करेंगे। ब्राह्मणों ने डिसाइड कर लिया कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो वो जस्टिस हो गई। ऑल राइट तो ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू आता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है कि असल जिंदगी में तो हम देख रहे हैं कि यही हो रहा है। इसके अलावा और भी कई व्यूज हैं, जैसे इस्लाम में एक आइडिया दिया हुआ है, वो आप लिख सकते हो। इस्लाम क्या कहता है जस्टिस के बारे में? That God command justice. God commands justice and fair dealing from all. God commands justice and fair dealing from all. Full stop. Stand out firmly for justice. Stand out firmly for justice, comma, even if it is against yourself, even if it is against yourself, comma, your parents, comma, relatives, or against rich or poor. Or against rich or poor. समझ रहे कि चाहे जस्टिस के लिए आपको खुद के ही खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, आपको खड़ा होना पड़े। अपने माँ बाप के खिलाफ बाहुबली हुआ ना अपनी राजमाता शिवगामी के खिलाफ खड़ा। नहीं, वो सत्य का चक्कर था, लड़की का नहीं था जो तुमने कहा। ओके, तो ये हमारा अब जस्टिस एज पर प्लेटो का क्या मतलब है, प्लेटो ने जस्टिस को कैसे डिफाइन किया, वो और देख लो। ये तो मैंने आपको जेनरिक आइडिया बताया, ठीक है। अब जस्टिस प्लेटो के हिसाब से क्या है, लिख लीजिए। दैट जस्टिस consists of the proper interplay of the three parts of the soul, full stop, in a just person, comma, in a just person, comma, reason controls the emotions, control emotions, and then both controls the desires. And then both control the desires. अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी बदल, जैसे कई लोग डिजायर्स की जगह एपेटाइट वर्ड यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन मत नहीं होनी चाहिए। दोनों का मतलब सिंपल भाषा में बोले तो डिजायर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दे तो वो एपेटाइट हो जाता है, भूख, बेसिकली एपेटाइट। और ऐसे ही इमोशंस की जगह क्या वर्ड यूज होता है? हाई स्पिरिट, हाई स्पिरिट्स। तो कंफ्यूजन में मत आना अगर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है तो। अब आगे लिखिए कि प्लेटो ने मतलब और जस्टिस के बारे में क्या कहा है। दैट फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट, कॉमा, प्लेटो ये बात बोल रहे हैं दैट फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट, कॉमा, जस्टिस इज अ ह्यूमन वर्च्यू, इज अ ह्यूमन वर्च्यू दैट मेक्स अ पर्सन सेल्फ कंसिस्टेंट and good. Full stop. Self-consistent and good. Full stop. In social context, comma, in social context, comma, justice is a social consciousness. Justice is a social consciousness that makes a society that makes a society internally harmonious and good. Internally harmonious and good. कि इंटरनली, जैसे आपको आज लगता है कि किसी को कि चोरी करना अच्छी बात है, लेकिन कल कोई आप ही का सामान चुरा के ले जाता है तो आपको कैसा लगेगा? क्यों बुरा लगेगा? अभी तो आप कहते थे कि ये तो अच्छी बात है। तो आप इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन आपके अंदर आ गई ना। तो जस्टिस वो वर्च्यू है जो आपको सेल्फ कंसिस्टेंट बनाता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। और एक जस्ट आदमी में रीजन इमोशंस को कंट्रोल करेगा और दोनों मिलकर फिर आपकी डिजायर्स को कंट्रोल करेंगे। अगर कोई आदमी इमोशनल ड्रिवन है, इमोशंस ड्रिवन है, तो वो आदमी क्या जस्ट पर्सन होगा एज पर प्लेटो? नहीं होगा। आई बात समझ में? ये तो ये इस तरीके से इन्होंने अपने चारों वर्चूज के बारे में बात करी। इसके बाद एक लास्ट और लिख लीजिए, यूनिटी ऑफ वर्चूज। यूनिटी ऑफ वर्चूज। यूनिटी ऑफ वर्चूज क्या है? बेसिकली ऑल वर्चूज कम्स टुगेदर, गोज टुगेदर। ऑल वर्चूज कम्स टुगेदर, गोज टुगेदर। या फिर एक तरीके से और लिख सकते हो, लिख लो डैट इफ यू हैव वन यू हैव देम ऑल। इफ यू हैव वन यू हैव देम ऑल। इफ यू डोंट हैव वन कॉमा यू हैव नन। फिर कोई भी नहीं है आपके पास। तो पहला मतलब तो ये निकल कर आता है कि ऑल वर्चूज आर इंट्रिंसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या जस्टिस और करेज अलग अलग है एक दूसरे से? क्या करेज के बिना जस्टिस हो सकती है? मतलब एक जज अगर करेजियस नहीं है तो कैन ही मेक अ फेयर डिसीजन? नो। ऐसे ही जस्टिस विजडम के लिए नहीं है। ऐसे ही टेम्परेंस और विजडम का क्या लिंक है? मैंने बताया था ना अभी कि जैसे जैसे आदमी में विजडम डेवलप होगा टेम्परेंस भी आती जाएगी। नहीं, आपके अंदर आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता नहीं जाएगा अपने ऊपर जैसे जैसे पढ़े लिखे होते जाओगे। पढ़ा लिखा आदमी हमेशा शांत स्वभाव का मिलेगा, अभी डिस्कस किया। और पढ़े लिखे होने के लिए भी टेम्परेंस की रिक्वायरमेंट है। चिकन एंड एग काइंड ऑफ कॉजेशन है। आप इस क्लास में देखो 2.5 घंटे बैठोगे, आज और 10 मिनट एक्स्ट्रा बिठाऊंगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं। तो ये टेम्परेंस ही तो है आप लोगों की, सेल्फ कंट्रोल ही तो है। वरना 2.5-3 घंटे बैठ के एथिक्स पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ऑलराइट, सो सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। अपने आप को चेस बोलना क्लास के बाद। क्या बोले? शाम को बोलोगे? अच्छा, शाम। ठीक है। हाँ, परसुएशन को फॉलो कर रहा हूँ, बिल्कुल। ब्रेक का क्या कोई कॉन्सेप्ट? एग्जाम में कौन ब्रेक देगा तुमको? हाँ? 2 घंटे। मैं मेंस वाला आदमी हूँ भाई साहब, मैं 3 घंटे पढ़ाता हूँ। पीटी से आगे की सोचो, बता रहा हूँ तुमको, तुम आधे से ज्यादा पीटी में अटके हुए हो। चलिए, तो अच्छा, एक तो यूनिटी ऑफ वर्चूज का ये मतलब हो गया, ऑल वर्चूज आर इंट्रिंसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। दूसरा इसका मतलब है दैट ऑल लाइव्स आर कनेक्टेड। मतलब यू कैन नॉट बी डिफरेंट इन योर पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। ये बात आई समझ? जैसे what Plato says is that ये लाइन लिख लो, that a politician who cheats his wife, a politician who cheats on his wife cannot be trusted in public affairs either. Cannot be trusted in public affairs either. जो आदमी अपने बीवी बच्चों को धोखा दे दे, ऐसे आदमी को अब आप लोगों ने निकाला है, मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसे नहीं कहा है उन्होंने। गांधी जी ने भी ये बात बोली कि लाइफ इज एन इनसेपरेबल होल, कि जो आदमी प्राइवेट लाइफ में अच्छा ना हुआ वो पब्लिक लाइफ में अच्छा कैसे हो सकता है। ठीक है, और अगर वो पब्लिक लाइफ में गलत है तो प्राइवेट लाइफ में भी एक दिन वो गलती करेगा। ये दोनों को आप अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं डाल सकते हो। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हाँ नहीं अच्छा क्यों हुआ? तो 10 बच्चे का मतलब वो एथिकल था। एथिकल होता तो 10 बच्चे होते। सोचता ना अपनी बीवी के बारे में। एनडी तिवारी अब छोड़ो यार, क्या नाम किसी का लेना। तो वो क्यों, क्या भाई साहब, अलग था, गलत थोड़ी था। अलग होना और गलत होने में अंतर होता है। प्राइवेट लाइफ में उन्होंने कौन से गलत काम किए भाई, सज्जन पुरुष थे एकदम। चलिए एक लास्ट आइडिया प्लेटो का, गवर्नेंस। इसमें लिखे गवर्नेंस में उनका क्या था, दैट हिज मॉडल ऑफ अ जस्ट स्टेट, हिज मॉडल ऑफ अ जस्ट स्टेट वाज दैट, हिज मॉडल ऑफ अ जस्ट स्टेट वाज दैट ऑफ अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म, कॉमा, वेयर ऑल द पार्ट्स, where all the parts function for the benefit of the whole, all the parts function for the benefit of the whole and the whole benefit the parts, and the whole benefits the parts, full stop. He came up with the model, he came up with the model of harmonious functioning, model of harmonious functioning, comma, which is based on 3 principles, which is based on 3 principles, that is, first, teamwork, second is equality, teamwork, and second is equality, and third is headship, headship कह लो या leadership कह लो आप। जैसे प्लेटो ने क्या कहा कि सरकार क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म। अब आपकी एक हेल्दी बॉडी के अंदर व्हाट हैपेंस इज दैट डिफरेंट ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग, दे आर परफॉर्मिंग देयर रोल। हार्ट अपना काम कर रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है। क्या कभी लिवर कहता है कि नहीं यार अब मेरे को हार्ट का काम करना है? नहीं कहता ना। और हर ऑर्गन ओवरऑल निष्काम कर्म कर रही है अपना, वो ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए काम कर रही है। और पूरी बॉडी किसके लिए काम कर रही है? हर ऑर्गन के लिए। एवरी, द होल बॉडी वॉन्ट्स एवरी ऑर्गन टू बी हेल्दी। इसी तरीके से सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तीनों अपना अपना काम करें, टीम वर्क के साथ करें। ऑलराइट, तीनों को इक्वालिटी के साथ देखा जाए, समझ रहे हो, उनमें कोई भेदभाव ना हो। और तीनों में से किसी एक को लीडरशिप मिल जाए, मतलब एक जैसे एग्जीक्यूटिव है तो प्रधानमंत्री जी को एक टाइप ऑफ लीडरशिप, जैसे हमारा दिमाग है जो, तो उसको एक ओवरऑल लीडरशिप मिला हुआ है ना पूरी बॉडी का, तो इन्हीं तीन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर सरकार भी आपको चलती है। लेकिन सरकार में आज क्या हो रहा है? जुडिशियल ओवररीच। जुडिशरी काम कर रही है किसका? एग्जीक्यूटिव का। नहीं, ये लड़ झगड़ के पहुंच रहे हैं जुडिशरी के पास। सेंटर स्टेट रिलेशंस के इतने सारे केसेस है, सारी स्टेट्स भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो ये इम्बैलेंस शोकेस करता है ना। जब किडनी खराब हो तो हार्ट पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आंखों पे असर पड़ेगा, हर पार्ट पे असर पड़ेगा। तो सेम इज हैपनिंग विद द गवर्नमेंट। So even if one part is not functioning well, the other parts have to face the repercussion. तो ये आपको समझना पड़ेगा, इस एनालॉजी के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि ये जो हाउ प्लेटोज मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज रेलिवेंट टुडे, तो कैसे आंसर करोगे इसको? पहले तो मॉडल लिखोगे थोड़ा सा हार्मोनियस फंक्शनिंग का, ये फिर आप एक्सप्लेन कर दो कि जो जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, सिविल सर्वेंट्स का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, ऑल दिस हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस ओनली इन पॉलिटी। जजेस भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, राज्यसभा ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, तो ये सब हमारे इस इम्बैलेंस का ही तो नतीजा है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। ये बन गया आपका आंसर। गॉट इट? चलिए, तो इसके साथ हमारा प्लेटो खत्म होता है। इतना बहुत है उनका, वो बाकी और भी बहुत सारी फिलोसफीज हैं, बट उसमें हम लोगों को नहीं जाना। दिस इज डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिलोसफर, एरिस्टोटल। नाउ एरिस्टोटल भी Aristotle was a student of Plato, और किसके टीचर थे ये? अलेक्जेंडर के टीचर थे। ये पूरा सीरीज चल रहा है, ठीक है? सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल और फिर आखिरी में अलेक्जेंडर। अब क्योंकि ये प्लेटो के स्टूडेंट थे तो कुछ चीजें तो कॉमन भी थी। वर्च्यू, एथिसिस, रैशनलिज्म और हैप्पीनेस, ये तीन आइडियाज कॉमन थे प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में। दोनों ही वर्च्यू एथिसिस थे, रैशनलिस्ट थे और हैप्पीनेस को सुप्रीम एंड मानते थे। इवन दो एरिस्टोटल ने हैप्पीनेस के लिए एक अलग वर्ड यूज किया था, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। मगर दोनों में, एरिस्टोटल थोड़े रिबेलियन टाइप के स्टूडेंट थे, तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस जो आता था वो ये था दैट एरिस्टोटल बिलोंग टू द स्कूल ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म, जहां प्लेटो यूनिवर्सलिस्ट थे, एरिस्टोटल रिलेटिविस्ट थे। और दूसरा जो डिफरेंस था, प्लेटो आपके आइडियलिस्ट टाइप के आदमी थे और ये प्रैक्टिकल काम बात करते थे। तो इसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं दैट एज पर एरिस्टोटल, कॉमा, as per Aristotle, comma, there are no known, there are no known absolute, there are no known absolute moral standards, no known, KNOWN, क्या लिखा आप लोगों ने? ये तो लिखा, देयर आर नो नोन एब्सोल्यूट मॉरल स्टैंडर्ड्स, एंड एनी एथिकल थ्योरी मस्ट बी फर्मली ग्राउंडेड, थ्योरी मस्ट बी फर्मली ग्राउंडेड इन द रियलिटीज must be grounded in the realities of human nature and daily life. Realities of human nature and daily life. Full stop. Ethics falls under the category of practical sciences. ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही. दिस इज हाउ ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो. ये क्वेश्चन इस तरीके से डेट हाउ प्लेटो व्हेन इट कम्स टू एथिक्स हाउ एरिस्टोटल वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो. ये क्वेश्चन आ गया तो कंपैरिजन आना चाहिए. इनका जो बुक का नाम था वो था निकोमैकियन एथिक्स. Eudaimonia was a word which he used for happiness. Nicomachean ethics. हाँ, ये बुक का नाम है. यस, निकोमाकी. देखो लोग नाम से डर जाते हैं. निकोमाकस इनके बेटे का नाम था, तो बेटे को कई बार वो डेडिकेट करते थे. कई लोग कहते हैं उन्होंने एडिट करी थी ये किताब इनके बेटे ने, तो इसकी वजह से निकोमाकियन एथिक्स लिख दिया था. लोगों को लगता है पता नहीं ये क्या बड़ा सा नाम दे दिया है वीसा, कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका. तो इस बुक का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, आप लिख सकते. थीम जो थी इस किताब की वो ये थी डेट हाउ मैन शुड बेस्ट लिव. तो आप अच्छी जिंदगी कैसे जिएंगे, कैसे, अरे इन सबके हिसाब से अच्छी जिंदगी कैसे जी जाएगी? हाँ, अरे कहाँ मोह त्यागा. वो अरे कहाँ डिजायरे खत्म करने बैठ गए भाई साहब. इंडियन फिलॉसफी कहीं से कुछ भी डाल दिया बस. विजडम के थ्रू. विजडम कैसे आएगी? वर्चूज, नॉलेज के और विजडम के बीच में वर्चूज है. वर्चुअस लाइफ जिएंगे तब हैप्पीनेस मिलेगी. और वर्चूज को डेवलप कैसे करोगे? ये किसने बोला? ये तो सोक्रेटिस ने बोला कि हम्बल बनो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछने से नॉलेज मिलेगी, नॉलेज से वर्चूज डेवलप होंगे. प्लेटो के हिसाब से क्या था? चार कार्डिनल वर्चूज के बारे में बात करी. एरिस्टोटल क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि भैया ऐसे क्वेश्चन पूछने से एथिक्स डेवलप नहीं होंगे, वर्चूज डेवलप नहीं होंगे. इसके लिए टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. एक टीचर आएगा, वो डंडा लेके आपके पीछे पड़ेगा, आपसे जबरदस्ती एथिकली एक्ट करवाएगा, जिससे धीरे धीरे आपकी अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी और उन हैबिट्स के चलते फिर आप अच्छे इंसान बनेंगे. समझे आप? जैसे हमारे गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था कि बच्चे गुरुओं के पास जाके रहते थे, चाहे राजा का हो, चाहे नॉर्मल जनता कहीं से भी आ रहा हो, आम जिंदगी वहां पे जीता था और लगातार टीचर उसके पीछे पड़ा रहता था कि भाई उसकी देखरेख में रहता था कि देखो तरीके से काम करना है. सो एक हैबिट एक अच्छी डेवलप हो जाती थी. अब क्लास में मैंने आपको इक्वालिटी, सफाई के बारे में बता दिया कि क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है. घर बाहर जाती वो फेंक दिया रैपर आपने चिप्स का, तो कैसे वो हो पाएगा? लेकिन टीचर एक डंडा लेके खड़ा है सामने, तो फिर आप वो हैबिट डेवलप कर लोगे. ऑलराइट, सो इसमें लिख लो थोड़ा सा डेट राइटस एक्शंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर्स. राइटस एक्शंस अंडर the influence of teachers allow the development of right habits allow the development of right habits, full stop. This leads to development of good, stable character. This leads to development of good, stable character, which finally results in eudaimonia. eudaimonia, ये जो टर्म इन्होंने यूज किया हैप्पीनेस के लिए, which finally results into eudaimonia. Eudaimonia का सिंपल मीनिंग होता है लाइक हैप्पीनेस थ्रू वर्चुअस लाइफ, मतलब ऑनेस्ट होकर, ट्रुथफुल होकर, ये सब तरीके से आप फेयर तरीके से, जस्ट तरीके से काम करेंगे तभी असली खुशी आपको मिलेगी. ऑलराइट, तो ये हमारा एक आइडिया था एरिस्टोटल का. इसके अलावा इन्होंने एक बुक और लिखी थी, रिटोरिक्स, जिसमें इन्होंने रिटोरिकल ट्रायंगल की बात करी. मतलब ये सेम ही आइडिया है जो हमने परसुएशन में डिस्कस किया था, लोगोस, पैथोस एंड एथोस. मतलब ये कहते हैं कि एक सक्सेसफुल परसुएशन के लिए तीन चीजें जरूरी हैं. थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल परसुएशन. क्या है ये? एक तो है लोगोस. लोगोस का मतलब होता है रीजन, लॉजिक का इस्तेमाल करिए. पैथोस का मतलब होता है इमोशंस, इमोशंस का इस्तेमाल करिए. और एथोस का मतलब कैरेक्टर, वर्च्यूज ऑफ द स्पीकर. मतलब इमोशंस, इंफॉर्मेशन या लॉजिक और कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर, इन तीन चीजों के बेसिस पर एक सक्सेसफुल परसुएशन होगी कि नहीं होगी ये डिसाइड होता है. गॉट इट? तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर कोई क्वेश्चन आता है परसुएशन पे तो उसमें एक फिलोसफिकल एंगल आप डाल सकते हैं एरिस्टोटल की बेसिस पर. ऑल राइट, तो ये बात एक उन्होंने करी, बताया तो भाई अभी मैंने. लोगोस का मतलब रीजन, ठीक है. पैथोस का मतलब इमोशंस और एथोस का मतलब कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर, उसके वर्चूज. अब जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है एरिस्टोटल का वो है डॉक्ट्राइन ऑफ मीन. डॉक्ट्राइन ऑफ मीन या फिर इसको गोल्डन मीन भी बोल देते हैं. इसमें एक लाइन लिखिए, फिर मैं समझाता हूं उसको अच्छे से. आप लिखिए दैट वर्च्यूज एग्जिस्ट एज अ मीन स्टेट, वर्च्यू एग्जिस्ट एज अ मीन स्टेट बिटवीन the vicious extremes, exist as a mean state between the vicious extremes of excess and deficiency. Vicious extremes of excess and deficiency. कि virtue एक mean है excess और डेफिशिएंसी के बीच में. क्या है ये मैं समझाता हूं आपको. अब जैसे करेज आपका एक वर्चू है, आप मानते हैं, लेकिन करेज की अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो उसका मतलब क्या है? कावर्डिस। और बहुत ज्यादा करेज भी दिक्कत देता है, वो क्या बन जाता है? फुलिशनेस या फूल हार्डीनेस हम इसको बोल सकते हैं। रैशनेस कह सकते हैं कि रैश बिहेवियर है एक तरीके का। तो करेज एक आपका मीन है, ये वर्चू है। बहुत ज्यादा करेज भी एक वाइस है, बिल्कुल करेज का ना होना भी एक वाइस है। और एग्जाम्पल देता हूं, आएगा समझ। मॉडेस्टी, आदमी में मॉडेस्टी होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ मॉडेस्टी हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? शाइनेस। और शाइनेस अच्छी बात नहीं है, इट्स अ वाइस। तो एक्सेस ऑफ मॉडेस्टी इज शाइनेस विच इज अ वाइस। और अगर बिल्कुल ही डेफिशिएंसी है मॉडेस्टी की तो वो आदमी क्या है? शेमलेस। तो ये भी एक वाइस है। जैसे एम्बिशियस होना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाए तो वो आदमी क्या हो जाता है? ग्रीडी हो जाता है वो। तो बहुत ज्यादा एम्बिशन ग्रीड लेकर आती है, और बिल्कुल भी एम्बिशियस ना हो वो भी गलत है। तो वो आदमी क्या होगा? इंडोलेंस वर्ड यूज होता है उसके लिए। इंडोलेंस मतलब लेजीनेस, कुछ काम ना करना। ऐसे ही सेल्फ कंट्रोल, मतलब खुद को कंट्रोल करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल करना भी खराब होता है। एक्सेसिव रिप्रेशन इज अ वाइस। तो कोई काम करने का अगर बहुत मन है तो उसको कर लीजिए, बहुत ज्यादा उसको करके साइड में लगाइए, फिर पढ़ाई पर आइए। और बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल ना होना, एक्सेसिव इंडल्जेंस। किसी काम में खुद को बिल्कुल डुबो लेना, वो भी गलत है। ऐसे ही जस्टिस, जस्टिस का क्या मतलब होता है? गिविंग पीपल व्हाट दे डिजर्व। तो ये किसके बीच का मीन हो गया? एक्सेस का मतलब क्या हो गया? गिविंग टू मच। और ये किसके बीच का मीन हो गया? गिविंग टू लेस। गिविंग टू मच एंड गिविंग टू लेस। ये बात आई समझ अब आपके? तो ये हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ मीन है। अच्छा, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट? एक सिविल सर्वेंट को इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, मगर ये किसके बीच का मीन है? टू मच ऑफ इमोशंस, या फिर बिल्कुल ही इमोशन नहीं है तो क्या है? रीजन। कि रीजन और इमोशंस का मीन क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस ही तो है कि दोनों को बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो किसके बीच का मीन है? एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के बीच का। ऐसे ही इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव न्यूट्रलिटी। एक सिविल सर्वेंट को पॉजिटिवली न्यूट्रल होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो पॉलिटिसाइज हो जाएगा, और अगर बिल्कुल ही नहीं है तो मॉरल करप्शन हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ये लॉज ना ही तो बहुत ज्यादा लीनियंट होने चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा रिजिड होने चाहिए। लॉज में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए आपकी। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जैसे यू कैन स्टार्ट योर आंसर कि जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार, स्ट्रिंग ऑफ अ सितार, राइट? इफ इट इज टू टाइट इट विल ब्रेक, इफ इट इज टू लूज इट विल नॉट प्रोड्यूस म्यूजिक। अगर वो तार को आप बिल्कुल ढीला छोड़ दोगे तो वो म्यूजिक नहीं बनेगा उससे, और ज्यादा टाइट कर दोगे तो वो टूट जाएगी। तो पतंग को उतना खींचे कि वो उड़ती रहे, बैलेंस रहे। ज्यादा ढील दे दोगे तो गिर जाएगी, ज्यादा खींच दोगे तो डोर टूट जाएगी आपकी। ऑलराइट, तो ये हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ मीन है सारा का सारा। और मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे ये सिविल सर्वेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको एक मध्य मार्ग लेकर चीजों को फॉलो करना पड़ता है। एक राजा के लिए भी, इनफैक्ट फॉर अ रूलर ऑल्सो, मध्य मार्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे भीष्म ने ये बात समझाई थी युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर बड़ा ही आइडियलिस्ट का तरह का बंदा था, तो उन्होंने एक बात बोली, ये लिख लो आप, ये 12th चैप्टर में है, 12th बुक ऑफ महाभारत, शांति पर्व, जो सबसे लंबी किताब है। मैंने बताया आई थिंक इसके बारे में आपको पहले भी। शांति पर्व 12th बुक, दिस होल बुक इज ऑन गवर्नेंस ओनली, और सबसे लंबी किताब है महाभारत की। युद्ध के बाद जब शांति हो गई थी, युधिष्ठिर बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे थे कि मैंने अपने भाइयों को मार दिया, तो फिर वो भीष्म से मिलने गए बैटलफील्ड में, जो अपनी बाण शैया पे लेटे हुए थे, और काफी लंबी गुफ्तगू हुई उनके बीच में बहुत सारे ऋषि भी इकट्ठे हो गए, पूरा महफिल सा एक लग गई वहीं पर। 12th बुक, यस, शांति पर्व। तो इसमें भीष्म ने एक लाइन कही दैट धर्मा ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, धर्मा ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर cannot be moral perfection. Cannot be moral perfection. Full stop. He has to take the middle path. He has to take the middle path. बीच का रास्ता उसको लेना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज, दूध भी आप बहुत ज्यादा मात्रा में पी लेंगे तो पेट खराब कर देगा, ऐसी लिकर भी बहुत ज्यादा मात्रा में पी लेंगे तो वो लिवर खराब कर देगी। फिर अब मैं लिकर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, और इसके ऊपर एक सेपरेट आपका आंसर बनता है। ये हर जगह, कुरान में भी इसके बारे में, भागवत गीता में भी इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, भागवत गीता भी कहती है कि मेडिटेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत ज्यादा कम खाते हैं तो आप मेडिटेट नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं या बिल्कुल ही नहीं सोते तो आप मेडिटेट नहीं कर सकते। कोई कहते हैं ना कि मैं तो 5 घंटे सोता हूँ, कई स्टूडेंट, सर आई स्लीप ओनली फॉर 5 आवर्स, और मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि जल्दी तू पागल हो जाएगा फिर, मतलब 18 घंटे पढ़ने इंसान की कैपेसिटी नहीं है इतनी पढ़ने की। अगर आप क्वालिटेटिवली 8 या 9 घंटे भी दिन के दे देते हो तो वो मोर देन इनफ होता है। इससे ज्यादा क्वालिटी नहीं निकल कर आती। खाली बैठना ही थोड़ी है भाई किताब लेके, ठीक है, उसमें क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। तो अच्छे से पढ़ो, 8-9 घंटे पढ़ लो, बस मोर देन इनफ है। मेंस के टाइम पे हाँ ये 11 घंटे तक चला जाता है, 11-12 घंटे, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ मीन हमारा यहाँ पर बन जाता है। लास्ट एक आइडिया जो एरिस्टोटल का आता है वो आइडिया ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस के ऊपर भी इन्होंने 2 तरीके की जस्टिस के बारे में बात करी। एक ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, यूनिवर्सल जस्टिस particular justice. Corrective, rectificatory or remedial, both, all the three have same meaning. Deterrent form of justice के नीचे retributive और proportional justice. मतलब इस डायग्राम में जस्टिस के ऑलमोस्ट सारे टाइप्स आ जाते हैं. हाँ मतलब ये अलग तरीका है, ये अरिस्टोटल ने बोला था सिविल और क्रिमिनल, इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो सो बेसिकली देखो हेयर आइडिया इज कि जस्टिस दो टाइप की रहती है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर जस्टिस। यूनिवर्सल जस्टिस जिसमें हर आदमी इन्वॉल्व है, हर आदमी समान तरीके से उस पर लागू होगी। ऑलराइट, इसमें भी दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस कैसे होगी और पॉलिटिकल लेवल पे कैसे होगी। इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस का मतलब है बीइंग वर्चुअस। अगर आप वर्चुअस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं तो यू विल एंश्योर कि इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं। और पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस कैसे होगी, जब रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा, हर कोई रूल को अबाइड करेगा तो पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस हो जाएगा। ऑलराइट, फिर आता है पर्टिकुलर जस्टिस, मतलब केस बाय केस बेसिस पे कैसे जस्टिस को इंश्योर करें। इसमें भी दो जस्टिस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब हाउ पावर एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब पढ़ा है ना आपने पॉलिटी में, और फिर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की रिसोर्सेज का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और सोशल जस्टिस का मतलब सोशल पोजीशन सबकी बराबर हो, सोशल पावर सबके पास बराबर हो। तो क्लास और कास्ट यहां से जन्म लेते हैं। और फिर इस तरफ आता है करेक्टिव, रेक्टिफिकेटरी और रेमेडियल जस्टिस। ये तीनों एक ही बात है। मैं इन्हें क्यों ये तीनों लिखे, क्योंकि यूपीएससी खेलती है शब्दों के साथ। मैंने पढ़ाया करेक्टिव, आपसे पूछ लिया रेक्टिफिकेटरी, आपको कंफ्यूजन हो गया, इसलिए तीनों वर्ड्स लिख दिए। इसमें दो टाइप्स आते हैं, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस। क्या फर्क होता है दोनों में, सिविल और क्रिमिनल में? हाँ? मतलब देखो सिविल में जो केस होता है, अ सिविल क्राइम इज अ क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, वेयर एज अ क्रिमिनल थिंग इज अगेंस्ट द स्टेट, इट्स अगेंस्ट द सोसाइटी। जब आप एक मर्डर करते हैं तो आप एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट अपराध नहीं किया, आपने पूरी मानव जाति के खिलाफ अपराध किया है, अगेंस्ट द होल ह्यूमैनिटी। तभी अगर क्रिमिनल, जैसे आपने किसी को मर्डर कर दिया तो केस क्या बनेगा, शांतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट यहां पे लड़ेगी केस। ऐसा तो नहीं आपने किसी को गोली मार दी तो जब तक क्या कहते हैं उस पर विक्टिम के परिवार वाले एफआईआर लॉन्च दर्ज नहीं करेंगे, जब तक एफआईआर नहीं होगी पुलिस खुद ऑटोमेटिकली आके एफआईआर, सुओ मोटो एफआईआर दर्ज करेगी। ऑलराइट, क्योंकि क्राइम स्टेट के खिलाफ हुआ है। तो ये बेसिकली सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर बेसिक डिफरेंसेस आता है, हालांकि ओवरलैपिंग मिलती है इसके अंदर। ओके, थेफ्ट के केसेस आपके हो गए, मैरिज रिलेटेड नहीं, थेफ्ट का केस तो आपका क्रिमिनल का हो गया। यूजुअली आपका जैसे पर्सनल लॉस से रिलेटेड, आपके जो प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस हैं वो सारे आपके सिविल केसेस में आते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जस्टिस को, करेक्टिव जस्टिस को डिफाइन करने का, डेटरेंट, रेट्रीब्यूटिव एंड रिस्टोरेटिव। डेटरेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस का क्या मतलब है बताओ भाई, एग्जाम्पल है, मतलब क्या है? कैपिटल पनिशमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। डेटरेंट फॉर्म का मतलब होता है कि पनिशमेंट विल बी मोर देन द क्राइम, कि चोरी करते पकड़ा गया, काट दो हाथ इसके, समझ रहे क्या बोला? शरिया इस्लाम हमेशा बात करता है फॉरगिवनेस की। लोग ये तो आयतें पढ़ लेते हैं कि अच्छा चोरी करी हाथ काट दो, ये नहीं पढ़ते कि उसमें हमेशा सजा से पहले फॉरगिवनेस की बात की गई है। मतलब ये एक बायसनेस है जो मैं देखता हूं। नहीं भाई ऐसे ही बोल दिया मैंने मैंने पूरी कुरान वगैरह मैंने नहीं पढ़ी, मैंने इंटरप्रिटेशंस पढ़े। भागवत गीता भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, बट उसके ऊपर जो कमेंट्रीज हैं, जो इंटरप्रिटेशंस है वो मैंने पढ़े। ऑलराइट, सो हर जगह मतलब कि पहले पीस शोकेस करें, पहले फॉरगिवनेस शोकेस करें, अगर नहीं होता देन इन दी एंड आपका जो भी मतलब बात की गई है, हिंसा की जो भी बात है वो की गई है। ऑलराइट, सो डेटरेंट, अच्छा डेटरेंट फॉर्म में एक लाइन लिखो आप, कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस क्यों दी जाती है, इसका लॉजिक क्या है। तो एक कोर्ट से आपको इसका लॉजिक समझ आ जाएगा दैट यू आर पनिश्ड not for stealing the sheep, you are punished not for stealing the sheep, but so that the sheep sheep bhai bhed but so that the sheep may not get stolen. The sheep may not get stolen. नहीं आई बात समझ में? आ गई ना कि क्यों पनिश किया जा रहा है? इसलिए नहीं कि तुमने भेड़ चुराई, इसलिए कर रहे हैं कि आगे से कोई भेड़ चुराने की हिम्मत ना करे। प्रिवेंटिव तो नहीं कहेंगे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट आप सेट करना चाहते हो, डेटरेंस क्रिएट, डर क्रिएट करना चाहते हो लोगों के मन में कि कोई हिम्मत ना करे गलत काम करने की। हाँ, तो वो बहुत हार्ड लॉज हैं आपके, इसलिए है कि भाई कोई सोच भी ना सके इन सब एक्टिविटीज में इंडल्ज होने की। और रेट्रीब्यूटिव का मतलब होता है सजा, क्राइम के अकॉर्डिंगली आप सजा दो कि इंजरी है, ग्रीवियस इंजरी है, हाफ मर्डर है, फुल मर्डर है, हीनियस मर्डर है। तो जैसे जैसे क्राइम का इंटेंसिटी बढ़ता जाता है सजा बढ़ती चली जाती है। और रिफॉर्मेटिव जस्टिस, the punishment is lesser than the crime. इसका लॉजिक क्या है, क्यों पनिशमेंट कम दी जाए? हाँ, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर आदमी ने कुछ गलत किया है तो इसमें खाली उस आदमी की गलती नहीं है, सोसाइटी की भी गलती है कि सोसाइटी उसको सही गाइडेंस नहीं दे पाया। अब एक टीनेज लड़का है, उसने मर्डर कर दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं तो सोसाइटी की भी गलती है कि उसको पढ़ा नहीं पाए, उसको एक अच्छा जीवन नहीं दे पाए। तो जुवेनाइल जस्टिस के अंदर कौन सा फॉर्म यूज होता है? रिस्टोरेटिव। उसमें उसको दो सजा, अगर वो खून भी कर दे तो 2 या 3 साल के लिए जुवेनाइल होम में डाला जाता है, नॉर्मल उसको जेल्स में नहीं डाला जाता। ऑलराइट, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आज जेल्स को म्यूजियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों? वहां पे जरूरत ही बची नहीं, वहां पे रिफॉर्मेटिव जस्टिस यूज होती है। गॉट इट? तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस के हमारे आइडियाज हैं। इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज जैसे इंटेलिजेंस, ये एक वर्च्यू है आपका, ठीक है, मगर ये क्या मॉरालिटी से रिलेटेड है? ये इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है आपका। जैसे आप बिलीव करते हो कैपिटलिज्म में, तो ये एक इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है आपका। ऑलराइट, मगर इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन ये भी आता है, एक मेजर डिबेट जो आती है इसमें, वो ये है कि क्या जस्टिस जरूरी है या फिर मर्सी, या फिर हम इसको कह सकते हैं रिवेंज वर्सेस फॉरगिवनेस। इज रिवेंज इंपॉर्टेंट? ये एक मेजर डिबेट है कि बदला लेना ज्यादा जरूरी है या क्षमा कर देना जरूरी है। बोथ आर इंपॉर्टेंट, मगर इसमें देखो बैलेंस करना पड़ेगा आपको, हाउ यू विल बैलेंस इट। अच्छा, ये इंडिया में कौन सा क्रिमिनल जस्टिस यूज होता है? प्रोपोर्शनल यूज होता है। ऑलराइट, एरिस्टोटल किसको सपोर्ट करता, अगर करते तो? डेटरेंट को करते, प्रोपोर्शनल को करते, या फिर रिफॉर्मेटिव? अरे यार, हद कर दी। अभी वो उसने मिडिल पाथ की बात करी है, मीन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो किसको सपोर्ट करेगा? प्रोपोर्शनल को करेगा। अब देखो, कई लोग पनिशमेंट की बात करते हैं, ठीक है, रिवेंज के सपोर्ट में आप क्या लिखोगे? लिखो जैसे एडम स्मिथ ने बोला है, एडम स्मिथ, that mercy to the guilty is cruelty to the innocent. Mercy to the guilty is cruelty to the innocent. समझ आई बात ही आपको? ऐसे ही सेकेंड पॉइंट आप लिखो डेट रिवेंज इज इंपॉर्टेंट टू सेवगार्ड द डिग्निटी ऑफ विक्टिम. और रिवेंज या जस्टिस कुछ भी लिख सकते हैं. इज इंपॉर्टेंट टू सेवगार्ड द डिग्निटी ऑफ विक्टिम. अदरवाइज उसमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. Sorry? Is required? Is important, is required to safeguard the dignity of the victim. ये जनरल आइडिया है, ये मैंने बोला, ठीक है. जरूरी थोड़ी है कि हर कोई, ये लॉजिक पे है कि बेचारे विक्टिम की डिग्निटी है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है. फिर जैसे भीष्म ने एक लाइन कही थी, भीष्म ने शांति पर्व में बोला था that दंड, punishment is the source of ethical behavior. Punishment is the source of ethical behavior. और मतलब एथिकल बिहेवियर, खाली सजा के डर से ही लोग एथिकली बिहेव करते हैं, वरना नहीं करते. तो सजा का डर होना जरूरी है. और प्लेटो ने क्या बोला? प्लेटो ने बोला दैट पनिशमेंट इज अ मॉरल मेडिसिन. पनिशमेंट इज अ मॉरल मेडिसिन फॉर विकेड एक्ट्स, फॉर विकेड एक्ट्स. विकेड मॉरल मेडिसिन दवा है एक. ये पनिशमेंट इज अ मॉरल मेडिसिन फॉर विकेड एक्ट्स एंड हाउएवर हार्ड इट मे बी, एंड हाउएवर हार्ड इट मे बी, कॉमा, इट इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी. इट इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी. मतलब ये जितनी भी हार्ड हो इसको देना जरूरी है. तो ये लोग तो बोलते हैं कि भैया सजा तो देनी चाहिए. हाउएवर, अब देखो एक बड़ा सा हाउएवर आता है. ये लाइन लिख लो डेट हाउएवर इट इज ऑल्सो ट्रू, हाउएवर इट इज ऑल्सो ट्रू डेट देर इज नो सोर्स, sorry, that there is no future. However, it is also true that there is no future without forgiveness. ये बात आई समझ आपको कि ठीक है आप पनिशमेंट दे दो, लेकिन पनिशमेंट can only lead to status quo. Only forgiveness can lead to future progress and development. आज भारत में क्या है, सोसाइटी, कम्युनिटीज एक दूसरे को फॉरगिव नहीं करती. आज मुसलमानों को लगता है कि हिंदुओं ने हमारे पे अत्याचार कर दिए, हिंदुओं को लगता है कि 500 साल से पहले मुसलमानों ने हम पे अत्याचार किए थे. तो एक फीलिंग ऑफ रिवेंज है कम्युनिटीज के बीच में. और जब तक ये रहेगी आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहेंगे और कभी सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. सो द कम्युनिटीज शुड स्टार्ट फॉरगिविंग ईच अदर नाउ. और 2018 में मैं बहुत सारे केसेस बताता हूं लोगों को. 2018 में जैसे एक आसनसोल में एक इमाम साहब थे, तो उनके बेटे की हत्या हो गई थी. तो क्या था, एक प्रोसेशन जा रहा था नवरात्रि का, ये इन्हीं दिनों की बात है. तो प्रोसेशन में आजकल ये नए शुरू हो गए हैं कि लोग तलवारें ले लेकर चलते हैं, जो रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं. और वो उनका बेटा था, उसको अगवा कर लिया, 16 साल का लड़का था, और अगले दिन उसकी बॉडी मिली और बहुत ही विभत्स तरीके से उसको मारा गया. अब बीइंग इन द पोजीशन ऑफ इमाम, ही कुड हैव इजीली इंसाइटेड वायलेंस, वो आराम से कर, मगर उन्होंने अपील करी कि नहीं भैया कि कोई वायलेंस नहीं करेगा, और करेगा तो मैं छोड़ दूंगा ये डिस्ट्रिक्ट. इसी उसी साल एक और केस हुआ, अंकित सक्सेना केस. रघुबीर नगर दिल्ली के अंदर लव एंगल था, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, तो लड़की के घर वालों ने वही 20 सड़क पर लड़के की हत्या कर दी। और उसी के 3 महीने बाद लड़के की फैमिली ने ईद के दौरान, रमजान के दौरान इफ्तार ऑर्गेनाइज किया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो इससे ज्यादा और फॉरगिवनेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रिगार्डिंग माय पॉइंट, इवन द्रौपदी फॉरगिव कौरवास फॉर व्हाट दे डिड टू हर, उसने माफ कर दिया था। अगर माफ ना करती तो क्या भगवान कृष्ण वो 5 गांव वाला प्रपोजल रखते, शांति के लिए जाते वहां पर? वो तो पहले दिन से युद्ध करते। सो एट पर्सनल लेवल शी हैड फॉरगॉटन व्हाट हैपेंड टू हर, बट सोसाइटी में धर्म के लिए आखिरी में लड़ाई अनिवार्य हो गई थी। सो कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि हमें रिवेंज लेना चाहिए या फॉरगिवनेस शोकेस करनी चाहिए, आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में रिवेंज कैन लीड टू स्टेटस को, बट वी कैन मेक प्रोग्रेस ओनली थ्रू फॉरगिवनेस। जैसे 1984 में सिख राइट्स हुए, तो उसके बाद राजीव गांधी क्या बोले कि भाई जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। दिस इज ही ट्राइड टू जस्टिफाई द वायलेंस। मगर फिर 2005 में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार बनी तो कांग्रेस ने फॉर्मली अपॉलोजाइज किया सिख राइट्स के लिए। अब वो सेंस ऑफ क्लोजर हो गया, मामला खत्म हो गया। 2002 में गुजरात राइट्स हुए। मोदी जी वॉज द सीएम एट दैट टाइम, तो उनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उनके अंडर देखो ये मैसेकर हुआ। आप समझ रहे हैं? तो आज जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे कंधमाल राइट्स हुए, चाहे कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, तो पॉलिटिकल लीडरशिप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। दे कुड हैव एटलीस्ट सेड कि भाई ऑल दीज थिंग्स हैपेंड अंडर आवर लीडरशिप एंड वी फेल टू प्रिवेंट इट, सो वी अपॉलोजाइज फॉर इट। सिंपल, अगर ये अपॉलोजी आ जाए तो मामला खत्म हो जाएगा ना। एक सेंस ऑफ क्लोजर होगी कि नहीं होगी? जैसे कनाडा ने कुछ साल पहले कोमागाटा मारू इंसिडेंट के लिए माफी मांगी थी, अगर आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, आज वही सिख कम्युनिटी कनाडा की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। बड़ी बड़ी कंट्री जापान और अमेरिका आज भूल चुके हैं कि आपस में उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया था, पर्ल हार्बर और हिरोशिमा नागासाकी, और आज दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की डेवलपमेंट में साथ दे रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ फॉरगिवनेस फॉर ईच अदर। अब वो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को लेके एक दूसरे के मन में नफरत रखे तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे? दैट्स व्हाई फॉरगिवनेस इज इंपॉर्टेंट। समझे आप? तो इस तरीके से आपको आंसर बिल्डअप करना पड़ेगा। और एक लाइन और लिखो, दैट व्हेन यू वॉक ऑन द पाथ ऑफ रिवेंज यू मस्ट डिग 2 ग्रेव्स। When you walk on the path of revenge, or when you take the path of revenge, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, you must dig 2 graves. 2 कब्रें खोदनी पड़ेंगी आपको, एक दुश्मन की एक अपनी। Dig 2 graves. All right, एक लाइन और लिखो, forgive others not because they deserve it. Forgive others not because they deserve it, but because you deserve peace. Forgive others not because they deserve it, but because you deserve peace. मतलब, और पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्टिस समटाइम्स। थोड़ी बहुत इनजस्टिस से अगर शांति स्थापित होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये मैंने शायद आपको पहले भी आइडिया दिया था। ऑलराइट, इसमें क्वेश्चन नंबर लिखिए 2015 क्वेश्चन 2 पार्ट ए। 2015 क्वेश्चन 2 पार्ट ए। क्वेश्चन 2 पार्ट ए, ये गांधी जी का कोट है, दैट द वीक कैन नेवर फॉरगिव, Forgiveness is the attribute of strong. हाँ, ये भी लिख सकते हो, an eye for an eye will make this world blind. आज देख लो ना, रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल दे लो, इसराइल पैलेस्टीन का, this violence will lead to more and more violence. ये कभी खत्म नहीं होगा। तो we have to start forgiving each other. चाहे कम्युनिटी लेवल पे हो, चाहे फैमिली लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो। All right. पीस और प्रोग्रेस उसी से बनती है। प्रॉफिट मोहम्मद जब वापस मैका आ रहे थे तो बहुत सारी ट्राइब्स ने बहुत ज्यादा अनजस्ट डिमांड्स करी, उन्होंने सबको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अनकंडीशनली मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उससे क्या हुआ, इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ, वो फैला इस्लाम सारे के अंदर, और जो उन्होंने कॉस्ट पे करी थी उस इनजस्टिस के लिए उससे कहीं ज्यादा रिकवर हो गई। समझ रहे? सो पीस इज इंपॉर्टेंट समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ लिटिल इनजस्टिस। तो दिस इज द आइडिया। यहाँ पे हमारा एरिस्टोटल खत्म होता है। कल हम लोग स्टोइसिज्म के साथ शुरू करेंगे। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच।